सो हेलो पीपल दिस इज यल सी ए टी वी एंड आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रिवाइव सी ए फाइनल लॉ द चैप्टर डायरेक्टर एंड डायरेक्टर में सबसे पहले जो चैप्टर का नाम आता है वो है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स सी ये समरी नोट्स है एंड uh, इस समरी नोट्स में हम समरी नोट्स तो पूरा तरीके से करेंगे बट बीच में हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो एडिशन में लिखनी पड़ सकती है सो so, अगर कुछ डिक्टेट करने की होगी तो डिक्टेट करने में आ जाएगा एंड अदरवाइज जो चीज़ ऐसे ही मेयरली बस बोलने की है क्योंकि इस पर ज़्यादा इंफोसाइज इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो क्वेश्चन है तो कुछ चीज़ों पर ऐसे ही बातें हो जाएगी रादर देन इसको लिखवाने की बजाय सो so, बिना किसी देर के वी आर गोइंग टू स्टार्ट ना दिस चैप्टर एंड बस एक चीज और बोलनी थी कि ये जो समरी नोट्स है एंड इन समरी नोट्स में हम जो क्वेश्चन है इस सेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के जो इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है वो इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट इसमें ही कवर कर लेंगे कि पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स है कुछ फ्रेजेस है जो इम्पोर्टेंट है तो ऐसा बोलने में आ जाएगा कि यार चलो यार इस पर ध्यान देना इस पे है इस पर क्वेश्चन है ठीक है बाकी कुछ सेक्शन तो आपको ही पता है कि वो पूरा सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है तो वो तो पूरा इंपॉर्टेंट वैसे हो जाता है तो उसमें ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है बट जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का केस आता है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स जिसमें जो रिलेशन समझना जरूरी है क्योंकि उसमें क्वेश्चन आना है तो हम उस पर ज़्यादा और इंफोसाइज कर देंगे राइट तो सबसे पहले चैप्टर वन अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर तो सेक्शन वन तो नंबर ऑफ डायरेक्टर सबसे पहले वन फोर्टी ठीक है सेक्शन वाइज चल रहे हैं तो वन फोर्टी वन मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो ओ में वन डायरेक्टर है प्राइवेट कंपनी में टू है एंड पब्लिक कंपनी में थ्री है तो ओ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी ठीक है हाउ आर्टिकल जो है मिनिमम नंबर को हायर कर सकता है तो आर्टिकल प्रोवाइड कर सकता है हायर ठीक है रही बात आती है मैक्सिमम नंबर की तो मैक्सिमम नंबर तो है सिर्फ फिफ्टीन ठीक है तो मैक्सिमम जो है वो है पंद्रह

दस के ग्यारह हो रहे तो भी तो भी जो है स्पेशल रेजोल्यूशन इसलिए पास करना पड़ जाएगा भले ही वो पंद्रह के नीचे है दस के ऊपर है क्योंकि आर्टिकल को ओवर राइड करे हो ना तो उसके इसमें में आपको आर्टिकल अमेंड करना पड़ेगा अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल करना पड़ेगा सेक्शन फोर्टीन आएगा तो उस केस में आपको आर्टिकल भी अमेंड करना पड़ जाएगा ठीक है और दूसरी चीज़ यह है कि कल को पंद्रह के ऊपर हो गए आर्टिकल में जैसे तेरह देकर रखा है और डायरेक्टर पंद्रह के ऊपर अपॉइंट कर रहे हो तो आर्टिकल तो अमेंड करना ही करना पड़ेगा साथ ही साथ पंद्रह के ऊपर डायरेक्टर हो रहे तो दो स्पेशल रिजोल्यूशन हो जाएंगे ठीक है तो और ठीक है ये बात होगी सो so, पढ़ते हैं एमसी क्लैरिफिकेशन हावर हाव एवर द प्रोविजन पर्टेनिंग टू वन फोर्टी नाइन वन बी इज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन एट कंपनीज़ तो क्या बोला है कि प्रोविजन पर्टेनिंग टू वन फोर्टी नाइन वन बी जो अगर बात करें मैक्सिमम नंबर की तो मैक्सिमम नंबर की बात करें तो ये ये एप्लीकेबल नहीं होता है सेक्शन एट कंपनीज को एंड गवर्नमेंट कंपनीज को दे कैन अपॉइंट मोर देन फिफ्टीन डायरेक्टर विदाउट पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन मीन्स स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत ही नहीं है सेक्शन एट कंपनी को और गवर्नमेंट कंपनी को ठीक है तो वन फोर्टी नाइन वन इज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन एट कंपनीज एंड गवर्नमेंट कंपनीज दे कैन अपॉइंट मोर देन फिफ्टीन डायरेक्टर विदाउट पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन ओके तो हाउ द एक्जाम विल नॉट बी अवेलेबल इफ कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन द इन फाइलिंग एनुअल रिटर्न एंड ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू आर ओ सी तो सिम्पल सी बात यार ये तो हमने पढ़ाई है कि ये एग्जामेशन तब भी मिलती है अगर कोई डिफॉल्ट नहीं हो ठीक है इफ़ दे इज नो डिफ़ॉल्ट इनिंग इफ देर इज नो डिफॉल्ट इन फाइलिंग द एनुअल रिटर्न ठीक है और एनअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन वन थर्टी सेवन और एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन नाइन टू सो जो होता है ठीक है सो बोर्ड कांट अपॉइंट मोर देन फिफ्टीन डायरेक्टर देखो बोर्ड कैन नॉट अपॉइंट मोर देन फिफ्टीन डायरेक्टर बिकॉज स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है तो ठीक है ये कुछ एक्सट्रैक्ट है जो इंपॉर्टेंट थे बोलने के लिए तो बोर्ड कांट अपॉइंट मोर देन फिफ्टीन डायरेक्टर बिकॉज स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है तो आपको तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन जो है वो पास करवाना पड़ेगा अब ओके फिर आती है बात वुमेन डायरेक्टर की तो रूल थ्री ठीक है वुमेन डायरेक्टर की बात आती है तो क्या बोला है कि रूल थ्री स्टेट करता है कि एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी तो लिस्टेड कंपनी को तो अपॉइंट करना ही करना है और एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल सौ करोड़ या उससे ज़्यादा हो टर्न ओवर तीन सौ करोड़ या उससे ज़्यादा हो उसको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो पेड अप कैपिटल सौ करोड़ या ज़्यादा और टर्न ओवर हो तीन सौ करोड़ या ज़्यादा ठीक है तो उसे वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना और फिर जब बात आती है पेड अप शेयर कैपिटल और टर्न ओवर की तो पेड ऑफ़ शेयर कैपिटल और टर्न ओवर एज ऑन लास्ट डे ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पेड ऑफ़ शेयर कैपिटल और टर्न ओवर जो होना चाहिए वो अपॉन uh, होना चाहिए uh, होना चाहिए ऑफ ऑफ लास्ट डे लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी टेकन अकाउंट ठीक है और एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए ठीक है ये जो भी हम बात करें वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वुमेन डायरेक्टर अब वुमेन डायरेक्टर के ऑफिस में वैकेंसी है फील्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो फिल करेगा वो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में करेगा नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग इमीजिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग की बात कर रहे हैं ठीक है इमीजिएट बोर्ड मीटिंग और थ्री मंथ एवर इज लेटर अब देखो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और थ्री मंथ एवर इज लेटर जैसा कि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हुई चलो अगले दिन ही पर थ्री मंथ है तो महीने में करना है अब तीन महीने ठीक है नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग अगर तीन महीने के बाद है नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग ही तीन महीने के बाद है तो उस केस में हम क्या करेंगे तो उस केस में ठीक है फिर जब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हो तब अपॉइंटमेंट होगा ठीक है तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और ठीक है तो अगर बोर्ड मीटिंग आफ्टर वैकेंसी हो तो फिर वो देखा जाता है तो थ्री मंथ और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच लेटर ठीक है तो सेकंड प्रोविजन है वन फोर्टी नाइन वन का एप्लीकेबिलिटी तो लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी पे पेडव कैपिटल सौ करोड़ ऊपर टर्न ओवर तीन सौ करोडिय ऊपर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं और एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर करना है अपॉइंट और रही बात आती है तो वैकेंसी की हमने बात कर ली है अब आती बात रेसीडेंट डायरेक्टर की कुछ चीज़ ऐसे भी समझने की है कि कंपनी को कल को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है भले ही कंपनी पे कोई एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है तो भी वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं पर ये क्राइटेरिया जब एप्लीकेबल होता है तब तो तुम्हारा मैंडेटरी है करना ठीक है तो ये ठीक, ये थी समझने का एक पॉइंट इंटरेस्टिंग है समझने का एक और कि कंपनी के अंदर जैसे मोर देन टू वुमेन डायरेक्टर है अब एक वुमेन डायरेक्टर ने छोड़ दिया तो उस वुमेन डायरेक्टर के बदले में कोई दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट हो हो सकता है पर एटलीस्ट एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर तो होना चाहिए तो जब आपका एक बेयर मिनिमम वन वुमेन डायरेक्टर ही लीव कर देता है तो उस केस में उसका रिप्लेसमेंट भी फिर कोई वुमेन डायरेक्टर ही होना चाहिए ठीक है तो और एक है कि न्यूली इनकॉपरेटेड कंपनी है तो उसको कंप्लाई करना है प्रोविजन विद इन सिक्स मंथ्स तो इस तरीके से वुमेन डायरेक्टर के जो है प्रोविजन या वुमेन डायरेक्टर के जो होते हैं ओवर वादी बात रेसिडेंट डायरेक्टर की तो रेसिडेंट डायरेक्टर क्या बोलता है क्या क्या बोला जाता है कि एटलीस्ट वन रेसिडेंट डायरेक्टर अब रेसिडेंट डायरेक्टर कौन होता है रेसिडेंट डायरेक्टर मीन्स एटलीस्ट वन एटी टू डेज इन द फाइनेंशियलियलियलियलियल ईयर जिनका फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट वन एटी टू डेज स्टे करते हैं तो आई सी आई टेकन दू दैट अटे ऑफ वन एटी टू डेज इज टू बी कंसिडर्ड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर ये करंट फाइनेंशियल ईयर में देखा जाता है और फॉर अ न्यूली इनकॉपरेट कंपनी द रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंटियल अप्लाई प्रोपोर्शनेटली अब जो न्यूली इनकॉपरेट कंपनी है अगर वो न्यूली इनकॉपरेट कंपनी है तो जो ये रिक्वायरमेंट है ये प्रोपोर्शनेटली लगती है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर

तो उसको पाँच बोल देंगे क्योंकि एटलीस्ट फोर पॉइंट वन है तो पांच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए तो एटलीस्ट वन थर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए तो इफ कंपनी इज रिक्वायर टू अपॉइंट ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन सेवन इफ कंपनी इज रिक्वायर टू अपॉइंट ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शनटी सेवन इफ कंपनी इज रिक्वायर टू अपॉइंट ऑडिट कमेटी इज टू अपॉइंट ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन सेवन मेजोरिटी ऑफ मेंबर ठीक है तो मेजारिटी ऑफ मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी मस्ट बी इंडिपेंडेंट ओके okay, इन्होंने इसको इधर जोड़ लिया ठीक है अगर कंपनी इज रिक्वायर टू अपॉइंट ऑडिट कमेटी अब इनको अगर ऑडिट कमेटी है तो मेजॉरिटी ऑफ़ मेंबर इन ऑडिट कमेटी ये ऑडिट कमेटी के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर है ठीक है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए अब आपको याद दिला दूँ कि ऑडिट कमेटी का अगर एल में बोल के रखा हो तो एटलीस्ट इधर तो मेजोरिटी बोला है पर एटलीस्ट टू थर्ड उधर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए और अगर कंपनी के आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं कंपनी ने तो ऐसे केस में जो है ऑडिट कमेटी में हंड्रेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए रूल फोर अदर पब्लिक कंपनी तो अदर पब्लिक कंपनी में जो है अदर पब्लिक कंपनी में पेड अप कैपिटल देखा जाता है ठीक तो तो है तो पेड अप कैपिटल दस करोड़ आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर डिपॉजिट एक्सीडिंग पचास करोड़ ठीक है तो मोर देन इक्वल टू टेन करोड़ है इधर एक्सीडिंग पचास करोड़ है और टर्न ओवर मोर देन इक्वल टू हंड्रेड करोड़ तो दस पचास सौ जो हर कोई बोलता है ठीक है ना तो ये भी लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का देखेंगे और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट टू द होने चाहिए ठीक है तो लिस्टेड कंपनी में तो वन थर्ड होने चाहिए अनलिस्टेड में एटलीस्ट टू होने चाहिए अब प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल होता नहीं है और जॉइंट वेंचर होली ओन सब्सिडरी और डॉर्मेंट कंपनी पे भी एप्लीकेबल नहीं होता है इनफैक्ट सेक्शन एट पे भी एप्लीकेबल नहीं होता है तो देजा वो डेजा वो इन द सेंस डॉर्मेंट जॉइंट वेंचर एंड होली ओन सब्सिडरी तो उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होता है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना तो एम होते हैं होल टाइम डायरेक्टर होते हैं ना तो नॉमिनी डायरेक्टर होते हैं ऑफ द कंपनी

तो ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी की बात एवरी लिस्टेड कंपनी शैल करते वन थर्ड ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड जो अदर प्रिस्क्राइब कंपनी है जो अदर पब्लिक कंपनी बोला मैंने तो उनके पास एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए नाउ द एगजन फ्रॉम हैविंग टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैव ग्रांटेड टू द फॉलोइंग क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज नाउ द एक्जशन फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अभी जो है एग्जेपन देख रखी ठीक है थीके?

अगर सेक्शन 177 इसमें एक चीज़ छोटी सी है कि अगर सेक्शन 177 अप्लाई हो रहा है तो सेक्शन 177 भी अप्लाई हो रहा है तो ऐसे केस में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात करें तो एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए और 177 की बात करें तो अगर ऑडिट कमेटी में जैसे कि पांच डायरेक्टर है तो फिर वन अप्लाई हो जाता है तो मेजोरिटी तीन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए तो ऐसे केस में कंपनी को एक और अपॉइंट करना पड़ेगा क्या बोला है अनलिस्टेड कंपनी है दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखे बढ़िया कोई दिक्कत नहीं सब सही सार चल रहा है पर ऑडिट कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट आ गई है तो चलो ठीक है ऑडिट कमेटी में पाँच डायरेक्टर रखे क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह दूसरी डायरेक्टर भी हो सकते तो पाँच डायरेक्टर रखे अब तुमने पाँच डायरेक्टर रख दिए तो फिर तुम्हारे मेजोरिटी जो है इंडिपेंडेंट होने चाहिए ठीक है अब जब मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए तो तीन इंडिपेंडेंट होने चाहिए अब जब तुम्हारे पास ए दो ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो फिर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करो मतलब कि जब एल ओ डी आर और ये एल ओ डी आर भी अपलीकेबल हो रहा है मतलब कि ठीक है जब वन फोर्टी नाइन वन सेवेंटी सेवन दोनों कंप्लाई करने के लिए आपको थोड़ा सा वैसा चलना पड़ेगा ठीक है तो आपको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और अपॉइंट करना पड़ेगा अब टेनियर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑफ अ टर्म एक टर्म फॉर फाइव ईयर्स ठीक है तो वन टर्म ऑफ फाइव ईयर्स ठीक है तो क्या बोला है टेनियर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ठीक है तो जो अपॉइंटमेंट है इनिशियल अपॉइंटमेंट फॉर अ टर्म ऑफ फाइव इयर्स बाय मेंबर ठीक है अब कैन बी अपॉइंटमेंट फॉर सेकेंड टर्म ठीक है तो कैन बी अपॉइंटेड फॉर सेकेंड कंसिक्यूटिव ईयर ठीक है बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन अब सेकेंड टर्म के लिए तो स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा इनफैक्ट रिमूवल के लिए भी स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा ठीक है नो इंडिपेंडेंट नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन टू कंसिक्यूट टर्म अब दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म से आता आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल होल्डिसन टू कॉन्सिक्यूटिव बट सच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ थ्री इयर ऑफ फीस टू बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सो नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन टू कंसिक्यूटिव टर्म दो कंसेक्यूटिव टर्म्स से आ तो वैसे भी आप ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते बट सच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ थ्री ईयर ऑफ सीजिंग टू बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ सीजिंग टू बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल नॉट ड्यूरिंग द सेट पीरियड ऑफ थ्री ईयर बी अपॉइंटेड इन या असोसिएटेड विद द कंपनी इन एनी अदर कैपेसिटी किसी भी दूसरी कैपेसिटी में आप ना तो अपॉइंट हो सकते हो ना तो एसोसिएट हो सकते हो इन द कंपनी इन द कंपनी इन एनी अदर कैपेसिटी अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो क्या बोला है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन टू कंस्टिक्यूटिव टर्म शेल नॉट वैसे तो शेल होल्ड नहीं नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेयर होल्ड तो कोई भी होल्ड नहीं कर सकता वही इधर कूलिंग पीरियड की बात करें तो कूलिंग पीरियड भैया थ्री ईयर है और तीन साल तक क्या भी एसोसिएट विद दी कंपनी इन एनी कैपेसिटी ठीक है द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हुईंटेड फॉर द सेकेंड टाइम अपॉइंट कर द सेकेंड टाइम कैन भी रिमूव ऑनली आफ्टर पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन तो रिमूवर पर भी स्पेशल रिजोल्यूशन है और बकायदा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट तो मिलेगी ही मिलेगी तो आती है बात रेवेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू इंटाइटल्ड तो किस किसके लिए इंटाइटल्ड है री इंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर सिटिंग फीस अदर प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन तो क्या बोला है रीइम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ठीक है री इंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर सेटिंग फ़ीस एंड अदर प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन अब इधर सेटिंग फ़ीस को भी ये जो है रेम्यूडेशन में इंक्लूड करा गया है सी सेटिंग फीस को रेम्यूडेशन में इंक्लूड करा गया है यू जनरली नहीं होता है सेटिंग फीस को इधर इंक्लूड करा है री इंबर्समेंट एक्सपेंडिचर मतलब वही पी एस तो पी से प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन री इंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अब री इंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर क्यों क्योंकि आपने पार्टिसपेशन करा है बोर्ड मीटिंग में या अदर मीटिंग में तो री ऑफ एक्सपेंडिचर सीटिंग फीस और प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन एंड नॉट इंटाइटल टू स्टॉक ऑप्शन आप स्टॉक ऑप्शन के लिए इंटाइटल्ड नहीं हो ठीक है अब काउंटिंग पर्पज़ के लिए देखा जाए तो काउंटिंग फॉर द पर्पज ऑफ वन फोर्टी नाइन वन दैट इज टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आता है कि नहीं आता है तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में तो आता है पर नॉट काउंटेड फॉर द रोटेशनल डायरेक्टर तो रोटेशनल डायरेक्टर में जो है वो नहीं आते और टोटल नंबर ऑफ़ डायरेक्टर में तो ऐड होते हैं अगर काउंटिंग पर्पज़ में देखा जाए तो क्या बोला गया इधर काउंटिंग फॉर द पर्पज ऑफ वन फोटी नाइन सेक्शन वन तो क्या बोला है इधर तो अभी अगर कुछ बीच में पॉज आ गया हो तो उसके लिए वो थोड़ा सा टेक्निकल इलिश आ रहा था मैं जो बोल रहा था उसका साउंड नहीं आ रहा था हैंस अब मैं स्टार्ट करता हूँ वापस तो काउंटिंग पर्पज़ के लिए देखा जाए तो काउंटिंग फॉर द पर्पज़ ऑफ सेक्शन वन फोर्टी नाइन सब सेक्शन वन टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर तो ये काउंट नहीं होता है तो ये टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में नहीं आते टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में ना तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आते हैं ना तो नॉमिनी डायरेक्टर आते हैं जो अपॉइंटेड अंडर स्पेशल एक्ट है ठीक है तो ये अपॉइंट नहीं होते हैं ये नहीं आते हैं ठीक है और रोटेशनल डायरेक्टर में वो डायरेक्टर आते हैं जो अपॉइंट अंडर जनरल इन जनरल मीटिंग है और जो डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन है ठीक है तो रिटायर बाय रोटेशन में हम उसको रोटेशनल डायरेक्टर बोलते हैं और रिटायर बाय रोटेशन को रोटेशनल डायरेक्टर बोलते हैं रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं बोलते हैं रोटेशनल डायरेक्टर जो डायरेक्टर है वो जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं राइट और टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का टू थर्ड रोटेशनल डायरेक्टर होना चाहिए एंड रोटेशनल डायरेक्टर में फिर जो है नियरेस्ट वन थर्ड ये रिटायरिंग डायरेक्टर होना चाहिए ठीक है तो अभी अपन पढ़ेंगे लाइबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर डायरेक्टर अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करें तो लाइबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में क्या बोल रहे हैं कि लाइबिलिटी ओनली फॉर एक्ट ओनली फॉर एक्ट ऑफ ओमिशन तो ओनली फॉर दोज एक्ट ऑफ ओमिशन हु हैड ऑकर्ड हिज नॉलेज एंड कंसेंट तो ओनली फॉर दोज एक्ट ओनली फॉर एक्ट ऑफ ओमिशन विद इन हिज नॉलेज एंड कंसेंट तो वो कवर है तो ऑनली फॉर दोज एक्ट ऑफ ओमिशन विच विच हैड ऑकर विध हज नॉलेज जो ऑकर हुआ है उसके नॉलेज में वैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है बट ओनली फॉर दोज एक्ट ऑफ ऑकेजन ऑमिशन ओनली फॉर दोज एक्ट ऑफ ऑमिशन विच हैड ऑकर विध हिज नॉलेज जो उसके नॉलेज में हुआ है उसके लिए लाइबल है वन फोर्टी टू सबसे रिक्वायरमेंट ऑफ बिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो वही जो अपन ने बात कर दी थी ऊपर ही तो वो वो एम डी होल्ड टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होना चाहिए और वो आई ए एस होना चाहिए मतलब कि इंटीग्रिटी एबिलिटी स्टैंडिंग एक्सपर्टीज ये होने चाहिए ठीक है अब आती बात अब आती बात वन फोर्टी टू सबसे सिक्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया राइट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो एक बार रिलेशनशिप uh, समझने की जरूरत है ठीक है अब तो क्या बोला है इसमें नॉट एंड वॉज नॉट अ प्रमोटर ऑफ कैश तो क्या बोला है सबसे पहले नॉट एंड वॉज नॉट अ प्रमोटर ऑफ कैश तो ना तो प्रमोटर होना चाहिए कैश का श तो नॉट अ प्रमोटर ऑफ कैश और नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ कैश फिर नो पिक्यूनियरी रिलेशन पिक्यूनियरी रिलेशन नहीं होना चाहिए ठीक है तो कोई पिक्यूनियरी रिलेशन नहीं होना चाहिए अदर देन डेम एज सच तो न्यू पिक्यूनरी रिलेशनशिप करंट रिलेशनशिप करंटली अदर देन डेमिनेशन एज डायरेक्टर और हैविंग ट्रांजेक्शन अदर देन टेन परसेंट ऑफ हिज टोटल इनकम और ड्यूरिंग द टू इमिजिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईर विथ कैश और प्रमोटर और डायरेक्टर जो भी बोला बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ क्योंकि ये तरीके से दिया हुआ ही नहीं है तरीके से ड्राफ्टड ही नहीं है तो वापस अब मठाऊँ तो नो पिक्यूरे रिलेशनशिप कोई रिलेशनशिप पिक्यूरे रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए कैश के साथ अदर देन रेम्यूडेशन ऑफ सच डायरेक्टर तो रेम्यूडेशन ऑफ सच डायरेक्टर तो चलेगा रेम्यूडेशन तो चलेगा रेम्यूडेशन को थोड़ी ना पिक्यूर रिलेशनशिप बोलेंगे और हैविंग ट्रांजेशन नॉट एक्सीडिंग मतलब अप टू टेन परसेंट ऑफ हिज टोटल इनकम तो उसकी जो टोटल इनकम है उसका दस परसेंट तक का ट्रांजेक्शन तो कर सकता है और हैविंग ट्रांजेक्शन अप टू टेन परसेंट या नॉट एक्सीडिंग तो अप टू टेन परसेंट ऑफ हिज टोटल इनकम और ड्यूरिंग और ड्यूरिंग टू इमिडिएटली फिर फिनेशियल या विद कैश और प्रमोटर डायरेक्टर तो ठीक है तो नो पिक्यून रिलेशनशिप करंट करंट ईयर में और ड्यूरिंग द टू इमिजिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तो नो पिकुन रिलेशनशिप करंटली ठीक है करंटली और ड्यूरिंग द टू इमिजिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर विथ कैश और प्रमोटर और डायरेक्टर तो नो पिक्यून रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कैश के साथ और और ड्यूरिंग द नो पिक्यू रिलेशनशिप विद द कैश और प्रमोटर एड डायरेक्टर ऑफ कैश ठीक है तो कैश और प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ कैश के साथ करंट ईयर प्लस टू इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो है पिक रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए तो रेमंडेशन चलेगा ट्रांजेक्शन अप टू तो टेन परसेंट चलेगा अपनी टोटल इनकम का दस परसेंट तक का ट्रांजेक्शन चलेगा सिटिंग फीस सिटिंग फीस रेमंडेशन में आता है प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन भी अप्रूव बाय मेंबर वो भी आता है री ऑफ एक्सपेंडिचर आता है ट्रांजेक्शन इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस करो ट्रांजेक्शन पार पे करो तो वो भी आता है ठीक है पर ये नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है इन द सेंस कि गवर्नमेंट कंपनी पे पिक्यूनरी रिलेशन हो तो भी चलेगा ये इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट कंपनी में पिक्यूनरी रिलेशन हो तो भी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है तो नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी अब नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी ये हो गया फिर रिलेटिव्स अब ये रिलेटिव पहना है रिलेटिव शुड नॉट होल्ड सिक्योरिटी तो क्या बोल के रखा है कि रिलेटिव शुड नॉट होल्ड सिक्योरिटी एक्सीडिंग फिफ्टी लैख फेस वैल्यू और टू परसेंट ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल तो ठीक है तो एटलीस्ट फिफ्टी लैख और टू परसेंट ऑफ शेयर कैपिटल तो शुड नॉट होल्ड एक्सीडिंग अब देखो शुड नॉट होल्ड एक्सीडिंग मतलब कि फिफ्टी लैख और टू परसेंट ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल ठीक है विच इज़ लोअर उतना होल्ड कर सकते हैं इन कैश ठीक है पर इससे ज्यादा नहीं कर सकते तो जो रिलेटिव है वो शुड नॉट होल्ड सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकता एक्सीडिंग फिफ्टी लैख ,00 और टू परसेंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल तो फिफ्टी लैख ,00 और टू परसेंट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज़ लोअर जो भी अमाउंट आता है उतना तुम होल्ड कर लो ठीक है उतना होल्ड कर लो कैश में उससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते रिलेटिव मे नॉट होल्ड सिक्योरिटी ठीक है दूसरी चीज़ रिलेटिव इंडेपनेस भी नहीं हो सकता इनडेप्टेड भी नहीं हो सकता ना तो गारंटी दे सकता है तो रिलेटिव शुड नॉट बी इनडेप्ट और गारंटी ऑफ फिफ्टी लैख और मोर अब इनडेप्टेड भी नहीं हो सकता और गारंटी भी नहीं दे सकता अब इधर पॉइंट में देखे रखा है फिफ्टी लैख और मोर जबकि ऐसा है कि अप टू फिफ्टी लैख तो इनडेप्टेड हो सकता है बट फिफ्टी लैख से ज़्यादा इनडेप्टेड नहीं हो सकता इन कैश और विथ प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ कैश तो कैश और प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ कैश ठीक है इन करंट ईर प्रसिडिंग टू फिनेंशियल ईयर तो जो भी मैंने बात करी कि रिलेटिव सिक्योरिटी नहीं होल्ड कर सकता है इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकता कैश में पर पचास लाख और टू परसेंट ऑफ पेट ऑफ कैपिटल विच एविज लोअर तक वो सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है रिलेटिव की बात करें तो रिलेटिव जी है इनडेप्टेड नहीं हो सकता कैश में और प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ कैश ठीक है रिलेटिव इंडेप्टेड नहीं हो सकता कैश में प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ कैश अब इनडेप्टेड पर हो सकता है पचास लाख तक पचास लाख से ज्यादा का इनडेप्टेड नहीं हो सकता इन करंट ईयर प्लस टू फिनेंशियल ईयर ठीक है ऑल्सो पिक्यूनियरी रिलेशनशिप अब गारंटी सिक्योरिटीज ने एक जगह कवर कर लिया ठीक है अब पिक्यूनरी रिलेशन क्या बोला है ऑल्सो पिक्यूनियरी रिलेशन ऑल्सो पिक्यूनरी रिलेशन और रिलेशनशिप विद कैश शुड नॉट अमाउंट टू पिक्यूनरी रिलेशनशिप और रिलेशनशिप विद कैश शुड नॉट अमाउंट टू टू परसेंट और मोर ऑफ़ ग्रॉस टर्न ओवर और टोटल इनकम इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विद अबाउट ट्रांजेक्शन मीन्स क्या बोलना चाह रहे हैं कि ट्रांजेक्शन जो है पिक्यूर रिलेशनशिप रिलेटिव होल्ड नहीं कर सकता कैश में देखो रिलेटिव ना तो सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है कैश में इंटरेस्ट भी होल्ड नहीं कर सकता इनडेपटेड भी नहीं हो सकता कैश में और प्लस इनडेप्टेस के साथ कैश के साथ प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ कैश आ जाता है गारंटी सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकता कैश में और प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी और ना तो पिक्यूर रिलेशनशिप होल्ड कर सकता है कैश में अब ट्रांजेक्शन जो है वन टू थ्री और फोर जो भी है ठीक है टोटल ट्रांजेक्शन जो है वो लेस देन टू परसेंट ऑफ़ टर्न ओवर और इनकम होना चाहिए तो ऑल्सो पिक्यूर रिलेशनशिप और रिलेशनशिप विद कैश शुड नॉट अमाउंट टू टू परसेंट और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्न ओवर तो टू परसेंट से कम होना चाहिए टू परसेंट या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ ग्रॉस टर्न ओवर और टोटल इनकम इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विद अबाउट ट्रांजेक्शन ठीक है तो ऑल्सो रिलेशनशिप और रिलेशनशिप विद कैश शुड नॉट अमाउंट टू टू परसेंट और मोर ऑफ द ग्रॉस और टोटल इनकम इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विद अबाउट ट्रांजेक्शन अब ठीक है तो पिकने ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए विद कैश और ठीक है और ट्रांजेक्शन इन वन टू थ्री फोर जो भी ट्रांजेक्शन है वो टू परसेंट फिर वो लेस देन टू परसेंट होना चाहिए टू परसेंट या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है अब एक और चीज़ नाइदर हिमसेल्फ और नॉ रिलेटिव और पार्टनर इधर तो सिर्फ उसकी बात चल रही थी रिलेटिव की पर बोल रहे हैं नाइदर हिमसेल्फ और नॉर रिलेटिव और पार्टनर ना इधर हिमसेल्फ और नॉ रिलेटिव पार्टनर शुड बी के एम पी और इम्प्लॉय ना तो रिलेटिव ना तो हिमसेल्फ नॉट द रिलेटिव और पार्टनर शुड बी के एम पी और एम्प्लॉय इन द कैश कैश भी के एम पी और इम्प्लॉय नहीं हो सकता कैश में इन करेंट ईयर थ्री प्रोसिडिंग फाइनेंशियल ईयर नॉर एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर ऑफ अ फर्म तो क्या बोला है ना तो के एम पी होना चाहिए इन कैश पर ना तो होना कैश का इन थ्री रिसीडिंग फिनेंशियल ईयर प्लस करंट ईयर ठीक है करंट ईयर थ्री थ्रीडिंग फाइनेंशियल ईयर पर रिलेटिव एम्प्लॉय चलेगा रिलेटिव एम्प्लॉय चलेगा ठीक है रही बात आ जाती है जब जब इम्प्लॉय प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप की बात आ रही है तो पर्सन और रिलेटिव ना तो इम्प्लॉय और केम हो सकता है कैश में पर रिलेटिव हो तो चलेगा पर्सन और रिलेटिव इम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं होना चाहिए किसी ऑडिट फर्म का और लीगल फर्म का या कंसल्टिंग फर्म का ठीक है तो ना तो फर्म ऑफ ऑडिटर सी ए सी डब्ल्यू जो फर्म है उनका सी उनका एम्प्लॉय प्रोप्राइटर या पार्टनर होना चाहिए तो पर्सन और रिलेटिव इम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं होना चाहिए ऑडिट फर्म का लीगल फर्म का या कंसल्टिंग फर्म का वो लीगल या कंसल्टिंग फॉर्म जिसका कैश के साथ ट्रांजेक्शन अमाउंटेड टू टेन परसेंट और मोर है ठीक है अमाउंटिंग टू टेन परसेंट और मोर है इन करंट ईयर और थ्री प्रिसनेंशियल ईयर अब करंट ईयर और टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखा जाता है पिक्यूनियरी रिलेशन में इधर थ्री प्रिस फाइनेंशियल ईयर है ठीक है और पर्सन और रिलेटिव जो है होल्ड कर रहे हैं मोर देन टू परसेंट वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी तो फिर उधर भी वो भी होल्ड नहीं करना है तो होल्ड मोर देन टू परसेंट और टू परसेंट और मोर टू परसेंट और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर विद रिलेटिव तो पर्सन जो है विद रिलेटिव मोर देन टू परसेंट टू परसेंट और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर विद रिलेटिव शुड नॉट बी सी ठीक है और पर्सन जो है पर्सन और रिलेटिव जो है शुड नॉट बी सी ई शुड नाट बी सी ई शुड नाट बी सी डायरेक्टर ऑफ एन शुड नॉट भी सी ई ओ और डायरेक्टर ऑफ़ एन पी ओ दट रेसिओ मोर देन इक्वल टू पच्चीस परसेंट शुड नॉट बी सी ई ओ और डायरेक्टर ऑफ एन पी ओ दैट रेसियो पच्चीस परसेंट और मोर तो वो एन पी ओ जो पच्चीस परसेंट और मोर ऑफिस रिसिव फ्राम कैश और प्रमोटर डायरेक्टर तो होल्ड मोर देन टू होल्ड टू परसेंट और मोर ऑफ दोटल वोटिंग पावर होल्ड टू परसेंट और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर विथ रिलेटिव तो टू परसेंट और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर भी होल्ड नहीं करना चाहिए इन दी कंपनी ठीक है तो पर्सन रिलेटिव जो है मोर देन टू परसेंट टू परसेंट और मोर ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी नहीं होल्ड करना चाहिए साथ ही साथ शुड नॉट बी सी ई डायरेक्टर तो सी ओ डायरेक्टर भी नहीं होना चाहिए ऑफ एन पी ओ जो रिसीव करता है ठीक है ऑफ एन पी ओ डेट रिसीव ट्वेंटी फाइव परसेंट और मोर ऑफ इट्स रिसिप्टैट जो रिसीव करता है ट्वेंटी फाइव परसेंट और मोर ऑफ इट्स रिसिप्ट फ्रॉम द कैश ठीक है फ्रॉम द कैश और प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ द होल्डिंग प्रोमोटर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ठीक है तो क्या बोला गया है कि एन पी ओ जो रिसीव कर रहा है एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट फ्रॉम द कैश और प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ और प्रोमोटर डायरेक्टर ऑफ अद तो एन पी ओ डेट होल्ड मोर देन टू परसेंट ऑफ द कंपनी तो एन पी ओ जो होल्ड करता है टू परसेंट ऑफ टू परसेंट और मोर ऑफ दोटिंग पावर ऑफ द कंपनी तो ठीक है अगर उस एम का अगर सी या डायरेक्टर है तो नहीं होना चाहिए अदरवाइज़ वो डिस्कवालीफाइड हो जाता है तो इस तरीके से यार देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा है मुझे पता है कि थोड़ा सा डिसेटिस्फेक्शन आएगा बट इसमें जो ड्राफ्टिंग है वो प्रॉपर तरीके से दे के नहीं रखी है देखो पर्सन जो है प्रमोटर नहीं होना चाहिए कैश का प्रमोटर ठीक है ये तो समझ में आता है कि प्रमोटर नहीं होना चाहिए कैश का ठीक है और पिक्यूनरी रिलेशन तो पहले तो है कि प्रमोटर नहीं होना चाहिए कैश का प्रमोटर और डायरेक्टर से प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ कैश से रिलेटेड भी नहीं होना चाहिए पिक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए इन करंट ईयर प्रोसीडिंग टू फिनेंशियल ईयर विथ कैश और प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ कैश ये गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है मतलब पिक्यूनरी रिलेशन गवर्नमेंट कंपनी में हो तो भी वो डायरेक्टर बन सकता है रिलेटिव ना तो सिक्योरिटी होल्ड करेगा कैश में ना तो इंटरेस्ट होल्ड करेगा कैश में बट हाँ बट हाँ रिलेटिव मे होल्ड सिक्योरिटी अप टू पचास लाख और टू परसेंट ऑफ पेडअप कैपिटल विच एवर इज लोअर इन कैश ठीक है और फिर रिलेटिव जो है वो इनडेपनेट्स नहीं होना चाहिए इन कैश तो रिलेटिव इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए इन कैश और प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ कैश तो उसमें इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए गारंटी सिक्योरिटी भी होल्ड नहीं करना चाहिए पर तो उसमें कैश के साथ प्रमोटर एंड डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी है रादर देन कैश ठीक है तो और रिलेटिव जो है वो पिक्यूर पिक्यूनियरी रिलेशनशिप भी होल्ड नहीं करना चाहिए कैश में ट्रांजेक्शन जो सारे जो है ट्रांजेक्शन वो टोटल मिल के दो परसेंट आफ्टर एन अवर से कम होना चाहिए ठीक है तो क्या लिखा हुआ है ठीक है तो एनी अदर हाँ अमाउंटिंग टू टू परसेंट और मोर ऑफ इट्स अवर और टोटल इनकम सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद द ट्रांजेक्शन रेफर टू इन वन टू थ्री तो हैज एनी अदर पिक्यूनरी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन विद कंपनी होल्डिंग एसोसिएट सब्सिडरी ठीक है अमाउंटिंग टू टू परसेंट ऑफिटेंट और मोर ऑफिटन और टोटल इनकम सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद ट्रांजेक्शन रेफर टू इन सब थ्री ये थोड़ा सा समझने कहा कि ऑल्सो पिक रिलेशनशिप और पिक इन ट्रांजेक्शन रिलेशनशिप विध कैश शुड नॉट अमाउंट टू टू परसेंट और मोर ऑफ ग्रॉस टर्न ओवर और टोटल इनकम इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन अबाउट ट्रांजेक्शन फिर हमने पढ़ा नाइदर हेमसर और नॉर रिलेटिव ठीक है तो ना तो खुद से ना तो रिलेटिव ना तो के होना चाहिए इम्प्लॉय होना चाहिए ऑफ कैश इन करंट ईयर प्लस थ्री रीडिंग फिनेशियल ईयर रिलेटिव इम्प्लॉय हो तो चलेगा तो जो रिलेटिव है वो इम्प्लॉय हो तो चलेगा और जो है इम्प्लॉ प्रोपराइटर पार्टनर नहीं होना चाहिए ऑफ ऑडिट फर्म एंड लीगल कंसल्टिंग फर्म एंड कैश के साथ ट्रांजेक्शन जिनका लीगल कंसल्टिंग फर्म जिसका कैश के साथ ट्रांजेक्शन टेन परसेंट और मोर है ठीक है और टेन परसेंट एंड मोर ऑफ द टर्नओवर है कैश का ट्रांजेक्शन जो है वो टर्न का टेन और मोर है और पर्सन या रिलेटिव जो मोर देन टू परसेंट ऑफ द कंपनी होल्ड करते हैं मोर देन टू परसेंट वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी होल्ड करते हैं या पर्सन रिलेटिव जो सी ईओ एंड डायरेक्टर है ऑफ़ एन पी ओ जो होल्ड करता है ट्वेंटी फाइव परसेंट और मोर जो रिसीव करता है ट्वेंटी फाइव और मोर परसेंट डोनेशन फ्राम द कैश तो एन पी ओ जो रिसीव करता है ट्वेंटी फाइव फोर परसेंट और मोर ऑफ द कैश फ्रॉम द कैश और कंपनीज प्रमोटर डायरेक्टर और एन पी ओ या तो जो होल्ड करता है टू परसेंट या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर इन द कंपनी तो उसका सी ई ओ डायरेक्टर नहीं बन सकता तो ऐसे केस में वो फिर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये नहीं बन सकता ठीक है अगर बना है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आ पाएगा अब एन सी ए का नोटिफिकेशन है कि प्रोविजन रिलेटेड टू तो अपॉइंट प्रोविजन रिलेटिंग टू तो वुमेन डायरेक्टर प्रोविजन रिलेटिंग टू वुमेन डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन एट कंपनी तो सेक्शन एट कंपनी पे ना तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल होता है ना तो वुमेन डायरेक्टर एप्लीकेबल होता है अब इसको उन्होंने लास्ट में दे रखा है पर ठीक है हमको पता है कि वुमेन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे सेक्शन एट जो है सेक्शन एट कंपनी पे नहीं लगता है आती है बात अमेंडमेंट फॉर नवंबर ट्वेंटी द एवरी पर्सन इंटेंट टू गेट अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द कंपनी ठीक है एवरी पर्सन इंटेंट टू गेट अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन अ कंपनी ऑन द डेट ऑफ केंसमेंट ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स शेयर विद इन अ पीरियड ऑफ सेवन मंथ apply to institute for inclusion of his name in database of independent director तो, तो देखो अब कुछ पॉइंट्स आएंगे धीरे चलना पड़ेगा कुछ कुछ सेक्शंस में बट इसके बाद हम इसको फ्लो में अच्छे से स्पीडली कर लेंगे बट ठीक है कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सेक्शन से या एक दो सेक्शन से हो रहेंगे जहाँ पर हमको थोड़ा सा धीरे चलना पड़ेगा तो काइंडली कॉपरेट विद दैट ठीक है एवरी पर्सन इंटेंडिंग टू गेट अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन अ कंपनी जो पर्सन इंटेंडिंग टू गेट जिसको अपॉइंट होना है ठीक है जिसको अपॉइंट होना है एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन अ कंपनी एज ऑन डेट ऑफ अकवेंसमेंट ऑफ कंपनीज शेल विद इन अ पीरियड ऑफ सेवन मंथ वो सात महीने में विद इन अ पीरियड ऑफ सेवन मंथ विद इन अ पीरियड ऑफ सेवन मंथ अप्लाई टू इंस्टीट्यूट फॉर इंक्लूजन ऑफ हज नेम वो इंस्टीट्यूट को अप्लाई करता है फॉर इंक्लूजन ऑफ हिस नेम इन डेटा बेस ऑफ आई डी तो विद इन अ पीरियड ऑफ सेवन मंथ अप्लाई टू द इंस्टीट्यूट फॉर इंक्लूजन ऑफ इस नेम ठीक है तो अप्लाई करेगा इंस्टीट्यूट को कि भैया उसका भी नाम इंक्लूड करो इंक्लूजन ऑफ इज ने इन देश ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ठीक है एवरी इंडिविजुअल हो नेम इज इंक्लूडेड इन द डेटा बैंक शेल पास ऑनलाइन प्रोफिशंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कंडक्ट करेगी जो इंस्टीट्यूट विद इन पीरियड ऑफ सेवन ईयर विद इन वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इंक्लूजन तो क्या बोल के रखा है कि

पर्सन जो अपॉइंटेड या पर्सन इंटेंड टू गेट अपॉइंटेड उसको पास दिन होना चाहिए या दिन नहीं भी हो तो भी अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन ठीक है विथ फीस तो उसका नाम जो है एक साल तक के लिए रखा जा सकता है पाँच साल के तक के लिए रखा जा सकता है लाइफ टाइम तक के लिए भी रखा जा सकता है ठीक है अब रिन्यूअल ठीक है एक्सपायरी होता है तो रिन्यूअल तीस दिन में आपको कराना पड़ता है और ये जो सेवन मंथ की बात है वो तो ठीक है वो तो है मैं एडिशनल बता रहा हूँ आपको कि उसका नाम एड्रेस क्वालिफिकेशन डेटा बैंक जो है वो इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मानसर में रखा जाता है और पर्सन विलिंग टू एक्ट वो अपना नाम पुट कर सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाकायदा डिक्लेरेशन देता है बोर्ड को कि उसने सिक्स वन का कम्पलाइंस करा है सिक्स टू का कंप्लेंस करा है ठीक है सिक्स वन का मतलब कि डेटा बैंक में उसने एंटर करा है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिक्लेरेशन देता है कि सिक्स वन का कम्पलाइंस करा है सिक्स टू का भी कम्पलेंस करा है एक्सपायरी होती है तो रिन्यूअल भी कराते हैं तीस दिन के अंदर और वन फोर्टी नाइन सेवन कंप्लाइंस वन फोर्टी नाइन सिक्स का वो सब भी कंप्लाइंस उसने करा है ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट टेस्ट तो देना पड़ता है सिक्सटी परसेंट एग्जामेशन भी लाने पड़ती है अटेम्प्ट अनलिमिटेड है और कंडक्ट विद इन वन ईयर ऑफ इंक्लूजन एंड इंडिविजुअल शेल नॉट रिक्वायर्ड टू पास ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट टेस्ट तो जो इंडिविजुअल है शेल नॉट बी रिक्वायर्ड शेल नॉट बी रिक्वायर्ड ठीक है तो उसको शेल नॉट बी रिक्वायर्ड शेल नॉट बी रिक्वायर्ड तो इंडिविजुअल जो है इंडिवीजल है शेल नॉट बी रिक्वायर्ड तो इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअल शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पास ऑनलाइन प्रोफिशंसी सेल्फ असमेंट टैक्स तो शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पास ऑनलाइन प्रोफिशंसी सेल्फ असैसमेंट टैक्स वेन ही सर्वड एज अ डायरेक्टर और के एम पी जहाँ पर उसने सर्व करा है एज अ डायरेक्टर और के एम पी फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन टेन ईयर वैन हीज सर्व एज अ डायरेक्टर के एम पी मोर देन इक्वल टू वन ईयर ठीक है एज ऑन डेट ऑफ इंक्लूशन ऑफ नेम तो कहाँ पे इन अ लिस्टेड कंपनी ठीक है तो मोर देन इक्वल टू टेन ईयर एज ऑन डेट तो मोर देन इक्वल टू टेन ईयर एज ऑन डेट ऑफ इंक्लूशन ऑफ इज नेम इन द डेटा बैंक इन द लिस्टेड पब्लिक कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी और बॉडी कॉपोरेट तो लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड बॉडी कॉपरेट या पब्लिक कंपनी जिसका पेटर कैपिटल दस करोड़ों से ज़्यादा है तो लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और बॉडी कॉपरेट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग टेन ईयर्स इफ़ इंडिविजुअल वॉज एक्टिंग एज ए डायरेक्टर और के एम पी इन टू और मोर कंपनीज अगर इंडिविजुअल वॉज एक्टिंग एज डायरेक्टर और के एम पी इन टू और मोर कंपनीज उसको तो एक ही माना जाएगा कि मतलब कि किसी एक साल में मीन्स एक साल में अगर वो किसी दो कंपनी के अंदर डायरेक्टर है तो उसे एक ही साल इट बी काउंटेड एज वन तो वही माना जाएगा कि वो एक साल डायरेक्टर है ठीक है अब बात होती बात पॉइंट्स टू डी रिमेंबर इंस्टीट्यूट का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉपरेट अफेयर्स एट मानेसर सिक्सटी परसेंट इन एग्रीगेट इन ऑनलाइन प्रोफिशेंसी सेल्फ असेसमेंट ये टेस्ट इज नीड टू पास द टेस्ट देर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ अटेम्प टू गिव ऑनलाइन प्रोफिशंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट टेस्ट ये हमने छोटी मोटी चीज़ें जो पढ़ने की थी डेटा बैंक के रिस्पेक्ट में हमने इसको पढ़ा आती है बात सेक्शन 150 की तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑथोराइज इंस्टीट्यूट और एजेंसी तो इंस्टीट्यूट और एजेंसी को बोल सकती है टू मेंटेन डेटा बैंक 151 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर क्या बोला है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर हमको डायरेक्टर को अपॉइंट करना है जो इलेक्ट करा है स्मॉल शेयर होल्डर ने ठीक है तो अ लिस्टेड कंपनी ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी पर अपलिकेबल होता है तो लिस्टेड कंपनी में लिस्टेड कंपनी में अपॉइंट डायरेक्टर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर स्मॉल शेयर होल्डर के डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है जरूरी नहीं है अपॉइंट कर सकती डायरेक्टर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर इफ नोटिस इज गिवन बाय नॉट लेस देन थाउजेंड शेयर होल्डर तो थाउजेंड शेयर होल्डर और ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर विच इज लोअर तो क्या बोला है तो क्या बोला है कि वन टेंथ ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर स्मॉल शेयर होल्डर विच इज लोअर टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर का वन टेंथ ठीक है तो क्या बोला है कि थाउजेंड शेयर होल्डर और टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर का वन टेंथ थाउजेंड शेयर होल्डर और टोटल नंबर ऑफ़ स्मॉल शेयर होल्डर का वन टेंथ बिच एवर इज लोअर ठीक है तो क्या हो गया थाउजेंड स्मॉल शेयर होल्डर और टोटल नंबर ऑफ़ स्मॉल शेयर होल्डर जिसकी नॉमिनल वैल्यू बीस हज़ार उससे कम होती है नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू बीस हज़ार उससे कम होती है उसको स्मॉल शेयर होल्डर बोलते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ स्मॉल शेयर होल्डर का वन टेंथ लिस्टेड कंपनी मे ऑल्सो अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर सोमोटो तो लिस्टेड कंपनी भी जो है मे ऑल्सो अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर सोमो वो सोओ भी अपॉइंट कर सकते हैं देखो एप्लीकेशन तो ठीक है पर ओन से भी अपॉइंट हो सकता है ठीक है नोटिस मस्ट भी गिवन एटलीस्ट फोर्टीन डेज बिफोर द मीटिंग स्पेसिफाइड द डिटेल्स एंड कंसेंट ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर अब नोटिस जो है आप अगर दे रहे हैं जो स्माल है, एलिजिबल जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है उंड लोअर तो नोटिस एट लीस्ट फोर्टीन डेज पहले दे बिफोर मीटिंग स्पेसिफाइंग द डिटेल्स जहाँ पे डिटेल्स बताए एंड द कंसेंट ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर तो जहां पे डिटेल्स बताया जाएगा ठीक है जहां पे डिटेल्स बताया जाएगा एंड कंसेंट ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर की डिटेल क्या है एंड प्रपोज डायरेक्टर ने कंसेंट दी है ठीक तो है तो डिटेल्स बताया जाएगा फोर्टीन डेज बिफोर मीटिंग डिटेल्स बताया और डिटेल्स एंड कंसेंट ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर के सामने वाले ने कंसेंट दी है और साइन बाय ऑल प्रपोजिंग डायरेक्टर तो जो भी डायरेक्टर प्रपोज कर रहे हैं उनके साइन होनी चाहिए पर्सन कैन बिकम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इन मैक्सिमम टू कंपनीज मैक्सिमम टू कंपनीज में ही आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकते हो उससे ज्यादा में नहीं बन सकते मैगजिमम टू कंपनीज में आप बन सकते हो अब स्माल शेयर होल्डर मीन्स शेयर होल्डर हु होल्ड शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ट्वेंटी थाउजेंड और लेस तो स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है शेयर होल्डर जो होल्ड करता है नॉमिनल वैल्यू ट्वेंटी थाउजेंड और लेस जो होल्ड करता है नॉमिनल वैल्यू ट्वेंटी थाउजेंड और लेस उसको स्मॉल शेयर होल्डर बोलते हैं मैगजिमम टेन्यर इज थ्री ईयर तो मैगजिम टेन्यर जो है वो तीन साल है एंड ही कैन नॉट बी तो मैगजिम टेन्यर है थ्री ईयर एंड ही कैनॉट भी डी अपॉइंटेड तो मैगजिमम टेन्यर तीन साल है एंड ही कांट बी डी अपॉइंटेड उसको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकते ठीक है नहीं किया जा सकता मैक्मम टैनियर उसका होता है तीन साल का अब कैन नॉट बी री फॉर थ्री ईयर इन एनी अदर कैपेसिटी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली तो एक बार जो है अगर एक बार स्मॉल शेयर होल्डर अपॉइंट किया तो स्मॉल शेयर होल्डर अपॉइंट किया मैगजिम थ्री ईयर का फिर उसके बाद जो है मैगजिम टू कंपनीज में भी आप हो सकते हो ठीक है मैगजम टू कंपनीज में जर अपन पड़ा था उधर आप स्मॉल शेयर होल्डर हो सकते हो पर तो जो सेकंड कंपनी है ठीक है जो सेकेंड कंपनी है नॉट बिंग अजनस ऑफ कॉम्पेटिव वो बिजनेस की नहीं होनी चाहिए और या तो ऐसा बिज़नेस नहीं होना चाहिए जो कन्फ्लिक्ट करे बिजनेस ऑफ फर्स्ट कंपनी से मतलब कि अगर आप पार ले जी पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो तो सनफिस्ट में नहीं हो सकते ठीक है और वन सीज़ एक बार आप सीज हो गए तो आप एसोसिएट नहीं कर सकते उस कंपनी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन एनी अदर एन एन कैपेसिटी फॉर थ्री ईयर ठीक है और स्मॉल शोल्डर डायरेक्टर फॉर लाइफ टाइम डिसकॉलीफाइड हो जाते हैं वापस री अपॉइंट नहीं होते तो कैन बी ठीक है तो मैक्सिमम ठीक है तो मैक्सिमम टेन ईयर्स थ्री ईयर इन कैन नॉट बी डी अपॉइंटेड वापस डी अपॉइंट नहीं हो सकते कैन नॉट बी री अपॉइंट फॉर थ्री इयर कैनॉट बी डी अपॉइंट फॉर थ्री इयर इन एनी अदर कैपेसिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो क्या बोला है कि कैन नॉट बी डी अपॉइंटमेंट फॉर थ्री इयर इन एनी अदर कैपेसिटी किसी दूसरी कैपेसिटी में आप री अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते फॉर थ्री ईयर किसी दूसरी कैपेसिटी में आप री अपॉइंट नहीं हो सकते फॉर थ्री ईयर्स पर स्मॉल शेल होल्डर डायरेक्टर के लिए तो आप लाइफ टाइम डिस्कवालीफाइड हो आप किसी दूसरी कैपेसिटी में भी री अपॉइंट नहीं हो सकते फॉर थ्री ईयर पर दूसरी कैपेसिटी में तीन साल के बाद हो सकते हो पर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर आप वापस नहीं बन सकते ठीक है कैन बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है इफ़ यूज डेक्लेन एंड फुलफिल द क्राइटेरिया हवर ही कैन नॉट बी एम डी और होल टाइम डायरेक्टर वो ना तो एम बन सकता है ना तो होल टाइम डायरेक्टर बन सकते हैं ठीक है थीके? तो आई सेव मैंडेटरी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट वन फोर्टी विद डेक्लेट वन फोर्टी सेवन अब असन डिसक्वालीफाइडर सेक्शन वन सिक्सटी फोर अगर जो पर्सन है डिसक्वालीफाइड है अंडर सेक्शन वन सिक्सटी फोर पर्सन है जो डिसक्वालीफाइड है अंडर सेक्शन वन सिक्सटी फोर पर्सन जो डिस्क्वालीफाइड है अंडर सेक्शन वन सिक्सटी फोर कैन नॉट भी स्मॉल शोल्डर डायरेक्टर तो पर्सन जो डिस्क्वालीफाइड है अंडर सेक्शन वन सिक्सटी फोर वो कैन नॉट बी स्मॉल शोल्डर डायरेक्टर इफ द डिस्वालीफिकेशन इज इंकर्ड लेटर ऑन द स्मॉल शोल्डर डायरेक्टर हैव टू हिज ऑफिस तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर तो टर्सेंट डिस्कवालीफाइड नहीं होना चाहिए ठीक है की इस पे भी होती है तो पर्सन डिसक्वालीफाइडर कैन नॉट बी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अगर डिस्कवालीफाइड इनका रिलेटेड स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को हैव टू वेट हिज ऑफिस तो वैकेंसी करना जो है वैकेंसी हो करना पड़ जाएगा उसको तो वेकेट करना पड़ जाएगा।, तो जाएगा अपना ऑफिस जब वन सिक्सटी फोर वन सिक्सटी सेवन या वन फोर्टी सिक्स अट्रैक्ट हो ठीक है अब क्या बोला है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर में ये सब इन्होंने बातें कर ली तो फोटीन डेज का जो कैलकुलेशन है जो हम बोल रहे हैं फोर्टीन डेज बिफोर द मीटिंग उसमें मीटिंग वाला डेट नहीं लेने का है पर जब हम नोटिस भेजने वाली डेट है हमको भेजने वाली डेट तो लेनी पड़ेगी ठीक है और स्मॉल शेयर होल्डर की जो है अपॉइंट करती है कंपनी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को तीन साल के लिए वो कंपनी में अपॉइंट क्योंकि तो बोल के रखा है कि कंपनी में अपॉइंट लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल होता है जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं होते क्योंकि वहाँ पे तो सब सब होते हैं सब वोट करते हैं पर इधर तो जो है स्पेशल नोटिस के थ्रू ही अपॉइंट होती है इधर कंपनी अपॉइंट करती है मतलब इधर बोर्ड अपॉइंट कर रही है और डी अपॉइंटमेंट नहीं होता टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर आते हैं तीन साल का इनका टेनर होता है ये डी अपॉइंटमेंट नहीं होता इनका ठीक है अब नोटिस का कंटेंट अगर आप नोटिस दे रहे हो तो नोटिस का कंटेंट होना चाहिए अगर ठीक है अब वही बात आती है कि अगर नोटिस नहीं जाएगा अगर खुद से अपॉइंट किया है तो अब नोटिस में क्या क्या जाता है नोटिस में जाता है कि स्मॉल शेयर होल्डर जो प्रपोज़ कर रहे हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को पर्सन जिसको हम प्रपोज़ कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ़ साइन उसका सिग्नेचर भी चाहिए देन चाहिए वो डिसक्वालीफाइड नहीं है वन सिक्सटी फोर वन सिक्सटी सेवन में उसने कंसेंट दी है ये सब भी चाहिए ठीक है तो ये सब भी नोट करना पड़ता है राइट तो स्मॉल शेयर होल्डर शेयर होल्डर डायरेक्टर का नेम एड्रेस नंबर ऑफ शेयर जो उसने होल्ड करके रखे हैं वैसे ही जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है या स्मॉल शेयर होल्डर से जिसके जो प्रपोज़ कर रहे हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को उनका भी नाम एड्रेस और नंबर ऑफ शेयर जो वो होल्ड कर रहे हैं ताकि पता तो चले कि नॉमिनल वैल्यू बीस हज़ार से कम ही है क्या क्योंकि हो सकता है कि नॉमिनल वैल्यू अगर बीस हज़ार से ज़्यादा हो तो ऐसे केस में वो प्रपोज ही नहीं कर सकता फिर जो है रिमूवल के टाइम तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगता ही है तो वोट बाय एलिजिबल स्मॉल शेयर होल्डर तो देखो क्या है कि वोटिंग तो स्मॉल शेयर होल्डर ही करते हैं फॉर अपॉइंटमेंट पर अगर जब आपको रिमूव करने की बात हो रही है तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगता है एन इक्विटी शेयर हैविंग राइट टू तो वोट एन एवरी एन एवरी इक्विटी शेयर होल्डर शेल है राइट टू तो वोट और वो दैन फील अपन ने बात करी है कि एस एस सी के लिएटेड वो लाइफ लाइफ टाइम के लिए डिस्कवालीफाइड हो जाता है पर किसी अदर कैपेसिटी में वो तीन साल तक के लिए जो है अपॉइंट होगा किसी तीन साल से अधिक के लिए वो अपॉइंट सॉरी किसी अदर कैपेसिटी में वो तीन साल के लिए सीज हो जाता है और तीन साल के बाद वो किसी अदर कैपेसिटी में अपॉइंट हो सकता है तो कैन नॉट बी डी अपॉइंटेडेड इन एनी अदर कैपेसिटी तीन साल के बाद हो सकता है किसी अदर कैपेसिटी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो इस तरीके से अपन ने स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के बारे में पढ़ा सेक्शन टू पढ़े तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर अब वन फिफ्टी टू की बात आती है ओके सो सेक्शन टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर तो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर पर्सन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और सब्सक्राइबर ऑफ आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन

ऑप्टेन उससे कंसेंट भी लेना पड़ता है और बाकायदा आर को फाइल भी करना पड़ता है एवरी पर्सन प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर शेल फर्निश इज डेन उसको अपना डेन फर्निश करना पड़ता है और सच अदर नंबर एज अ केस में भी ही शेल नॉट एक्ट एज अ डायरेक्टर अनलेस ही शेल नॉट एक्ट एज अ डायरेक्टर अनलेस ही गिव्स हिज कंसेंट टू होल्ड ऑफिस एज अ डायरेक्टर इन फॉर्म डी आई टू तो मतलब कि उसे अपना कंसेंट ही गिव्स हिज कंसेंट टू होल्ड ऑफिस एज अ डायरेक्टर एंड सच कंसेंट हैज़ टू फाइल टू आर ओ सी तो वो अपना कंसेंट देगा देन आर ओ सी ठीक हैज फाइल टू आर ओ सी तो ही गिव हीज कंसेंट टू होल्ड ऑफिस एज द डायरेक्टर इन फॉर्म डी आई टू एंड सच कंसेंट हैज फाइल टू आर ओ सी इन थर्टीन डेज थर्टी डेज इन फॉर्म डी आई आई ट्व अलॉन्ग विदीस प्रिस्क्राइब है कि जो फर्स्ट डायरेक्टर का टेनर होता है अनटिल डायरेक्टर आर ड्यूली अपॉइंटेड तो जब तक जो है सब्सिक्वेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होते तो तब तक जो है फर्स्ट डायरेक्टर जो है अपॉइंट रहते हैं ठीक है थीके? तो फर्स्ट डायरेक्टर डायरेक्टर आर ड्यूली अपॉइंटेड और बाकायदा इसका आर्टिकल में प्रोविज़न दे के रखा है और अगर प्रोविज़न नहीं है आर्टिकल में फर्स्ट डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में या तो अपन बोल सकते हैं आर्टिकल साइलेंट है तो रेगुलेशन 60 टेबल एफ लगता है अब ये सब चीज़ें दे के नहीं रखी है पर रेगुलेशन 60 टेबल एफ लगता है और मेजोरिटी डिसाइड करते हैं कि कौन है द डायरेक्टर कौन होगा फर्स्ट डायरेक्टर अगर रेगुलेशन सिक्सटी टेबल एफ़ भी एप्लीकेबल नहीं होता है तैसे केस में सारे सब्सक्राइबर जो इंडिविजुअल है वो फर्स्ट डायरेक्टर हो जाते हैं ठीक है वो डीम पी भी फर्स्ट डायरेक्टर जो है फर्स्ट डायरेक्टर तो अब इसमें बात यह है कि जनरल मीटिंग में अब इधर तो इन्होंने जो है फर्स्ट डायरेक्टर का नाम तो जो है पर्सन ए में प्रिस्क्राइब रहता है और जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है वो, वो जनरल मीटिंग में होता है डायरेक्टर के पास दिन होना चाहिए कंसेंट देना चाहिए टू एक्टर्स ए डायरेक्टर तो डी आई टू में डायरेक्टर कंपनी को दे कंसेंट देगा कंपनी तीस दिन के अंदर डी आई ट्वेल्व में रजिस्ट्रार को फर्निश कर देगी ये जो कंसेंट की बात है गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता ठीक है एंड नोटिस पीरियड इज़ डायरेक्टरी प्रोविजन एंड इट वुड बी डीम्ड टू बी कम्प्लाइड इफ़ कम्प्लाइड सब्सटैंशियली मतलब बोला यह जाता है कि बाकायदा जैसे कि जो नोटिस के जो टाइम पीरियड है कि मीटिंग के टाइम पीरियड का जो नोटिस है कि आप नोटिस इतने दिन पहले भेज दो मीटिंग का नोटिस इतने दिन पहले होना चाहिए अभी जो नोटिस का टाइम पीरियड है ना ये डिस्क्रिप्शनरी होता है तो अगर इसको सब्सटैशियली भी कम्प्लाई कर लिया जैसे कि इक्कीस दिन पहले नोटिस भेजना था चौदह दिन पहले नोटिस भेजना था और अगर हमने बारह दिन पहले भी नोटिस भेजा है तो मतलब हमने सब्सटैशियली इसको कंप्लाई करा है तो इसका कोई वायलेशन नहीं माना जाएगा ठीक है क्योंकि डिस्क्रिप्शनरी प्रोविजन है और ठीक है और एज पर द बोर्ड इधर जो अपॉइंटमेंट हो रहा है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जैसे अपॉइंट कर रहे हैं तो उसको फुलफिल करनी पड़ेगी सारी कंडीशन ठीक है और साथ ही साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना पड़ेगा पड़ेगा इन नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग टू तो अपॉइंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो भी हो आर्टिकल में अगर आप फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो या रिटायरिंग डायरेक्टर को आप रीअपॉइंट कर रहे हो अपॉइंटमेंट अगर ट्रिब्यूनल करा है जो भी सिचुएशन हो जो है कंसेंट तो लगती है ठीक है तो कंसेंट तो हर जगह ही लगती है ठीक एंड सेक्शन एट पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन नहीं लगते हैं तो ये तो हमको पता ही है तो इस तरीके से जो है बहुत ही जनरल बातें थी ठीक है और जो हमने पता था कि रेगुलेटर रेगुलेशन सिक्सटी टेबल एफ एप्लीकेबल नहीं होता है तो ऑल जो सब्सक्राइबर है जो इंडिविजुअल है उन पे जो है पर्टिकुलर वो ही डीम्ड हो जाते हैं मतलब कि ऑल जो सब्सक्राइबर जो बॉडी कॉपरेट वाले हैं तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है जो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर है वो फर्स्ट डायरेक्टर हो जाते हैं अब आती है बात रोटेशन ऑफ डायरेक्टर की तो रोटेशन ऑफ डायरेक्टर थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है तो दिस रिक्वायरमेंट इज एप्लीकेबल ऑन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एटलीस्ट टू थर्ड ठीक है टू थर्ड ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर तो टू थर्ड ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का टू थर्ड वो रोटेशन होना चाहिए अब टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में ना तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आएगा ना तो नॉमिनी डायरेक्टर आएगा जो अपॉइंटेड अंडर स्पेशल एक्ट और कंपनी एक्ट वाले आ जाएंगे तो पब्लिक कम ठीक है तो दिस दिस रिक्वायरमेंट इज एप्लीकेबल ऑन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एटलीस्ट टू थर्ड ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर रोटेशनल डायरेक्टर होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर विल नॉट बी काउंटेड तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर कोई काउंट नहीं होगा इन द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ठीक है देर इज अ डिबेट देर इज अ डिबेट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशनल डायरेक्टर वेदर दे विल बी काउंटेड इन द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग टू थर्ड सिंस द लॉ इज नॉट क्लियर स्टूडेंट स्टूडेंट कैन टेक सुटेबल अजम्पन एंड मैंशन अजम्पन क्लियरली इन एग्जाम्स मतलब सिंपल सी बात है एडिशनल डायरेक्टर को भी अपन ले ही लेंगे ठीक है नहीं सॉरी एडिशनल डायरेक्टर को अगर बात करें तो एडिशनल डायरेक्टर तो बोर्ड में अपॉइंट नहीं होते तो एडिशनल डायरेक्टर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में तो आ जाएगा पर रोटेशनल डायरेक्टर में नहीं आएगा ठीक है अब तो दे एडिशनल डायरेक्टर दे विल काउंटेड इन द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर लॉ इज नॉट क्लियर स्टूडेंट कैन टेकेबल अब एडिशनल डायरेक्टर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में तो आ जाएगा पर टू थर्ड में नहीं आएगा ठीक है ऑल डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर नॉन रोटेशनल डायरेक्टर तो जो भी डायरेक्टर अपॉइंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी डायरेक्टर अपॉइंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर तो ऑल डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या बोला है डायरेक्टर अपॉइंटेड बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर है मतलब कि जो एडिशनल डायरेक्टर है चलो ठीक है उसको भी नॉन रोटेशनल डायरेक्टर वो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में तो आएगा पर वो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर रहेंगे ठीक है न्यू कंपनी एक्ट डज नॉट स्पेसिफिकली एक्सक्लूड एम डी एट डब्ल्यू टी डी फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द रोटेशन हर ओवर इन नॉर्मल कोर्स दे आर नॉन रोटेशनल तो देखा जाए तो न्यू कंपनी ने स्पेसिफिकली एक्सक्लूड नहीं करा पर हर ओवर इन नॉर्मल कोर्स वो तो नॉन रोटेशनल ही होते हैं एम डी डब्ल्यू डी डी नॉन रोटेशनल ही होते हैं ठीक है अब रही बात है तो ऑल डायरेक्टर जो अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो वो तो नॉन रोटेशनल ही है ठीक है तो डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय बोर्ड तो डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय बोर्ड वो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर है फिर कंपनी कंपनीू डी डी तो एम डी डब्ल्यू डी डी वो भी जो है वो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर है अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग बाय पासिंग ओ आर रिमेनिंग अब क्या बोला है

तो एग्जैक्ट जटलीस्ट या अपन बोल सकते हैं नियरेस्ट टू वन थर्ड ओके तो नियरेस्ट टू वन थर्ड जो है ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर जो है वो शेल रिटायर बाय रोटेशन तो शेल रिटायर बाय रोटेशन एट एवरी एजी एम राउंड ऑफ टू नियरेस्ट डेसीमल फीफो मैथड टू बी फॉलोड ठीक है तो फीफो मैथड विल बी फॉलोड तो एल एम एल जैसे इसको बोल के रखा है कि जो है एल एम एल मतलब कि लॉन्गेस्ट इन दी ऑफिस एन एम से म्यूचुअल और एल से फिर लॉट्स तो अगर दो डायरेक्टर अपॉइंट हुए सेम डे में तो म्यूचुअल एग्रीमेंट या तो फिर बाई लॉट इज एग्रीमेंट बिटवीन डायरेक्टर रिटायरमेंट टेक प्लेस सब्जेक्ट टू सच एग्रीमेंट ये सब बातें इधर करी गई है अब एग्जाम्पल टोटल नंबर ऑफ़ डायरेक्टर नाइन है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर नाइन है तो मिनिमम नंबर ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर जो है रोटेशनल डायरेक्टर कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर नाइन है तो रोटेशनल नंबर रोटेशनल डायरेक्ट होंगे नाइन का रोटेशनल डायरेक्ट होंगे नाइन का टू थर्ड जो कि होगा ठीक है ठीक है तो नाइन का टू थर्ड तो क्या बोला है मोर देन इक्वल टू टू थर्ड तो नाइन का टू थर्ड योग छः का वन थर्ड ठीक है या बोला कि चलो ठीक है तो 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 सी सेवन तो सेवन तो एग्जैक्ट वन थर्ड ऑफ सेवन तो सेवन का वन थर्ड क्या टू पॉइंट थ्री थ्री मतलब नियरेस्ट टू वन थर्ड टू राउंड ऑफ टू नियरेस्ट डेसिमल वो होने चाहिए अपने ने जो है रिटायरिंग डायरेक्टर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में आठ ठीक है अगर टोटल नंबर ऑफ़ डायरेक्टर आठ है तो मिनिमम नंबर ऑफ़ रोटेशनल डायरेक्टर जो रोटेशनल डायरेक्टर है वो टू थर्ड होने चाहिए जैसे फाइव पॉइंट थ्री थ्री जो कि है सिक्स तो फाइव पॉइंट थ्री थ्री नियरेस्ट टू तो वन ठीक है मोर देन इक्वल टू टू थर्ड तो सिक्स होना चाहिए और फिर अगर छः है तो उसका वन थर्ड जो है टू तो चलो ठीक है एटलीस्ट जो है सिक्स रोटेशनल डायरेक्टर होना चाहिए चलो से एक मानो कि सारे के सारे रिटायरिंग डायरेक्टर है से ऑल एट आर रोटेशनल डायरेक्टर या ऐसा मान ले तो आठ का वन थर्ड जो होता है टू पॉइंट सिक्स सेवन होता है नियरेस्ट टू वन थर्ड कितना है तीन तो तीन शेल रिटायर वो नियरेस्ट टू वन थर्ड का एक्जाम्पल है कि नियरेस्ट टू वन थर्ड अगर फोर पॉइंट फाइव आ रहा है फोर पॉइंट वन आ रहा है तो फोर हो जाएगा फोर पॉइंट फाइव आ रहा है तो फाइव हो जाएगा क्योंकि नियरेस्ट टू वन थर्ड बोल के रखा है ठीक है वो रिटायरिंग डायरेक्टर होते हैं तो रोटेशनल डायरेक्टर में से रिटायरिंग डायरेक्टर निकलते हैं और तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर टेन है तो उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंक्लूड होता है कि नहीं होता है तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वैसे इंक्लूड नहीं होता ठीक है फिर नाइन डायरेक्टर हो जाएंगे क्योंकि टेन इंक्लूडिंग वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो नाइन होंगे नाइन का टू थर्ड सिक्स नंबर नाँग ऑफ डायरेक्टर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन ठीक है तो वो रोटेशनल डायरेक्टर हो जाते हैं जो कि छे अब ऑटोमेटिक एडजनमेंट ठीक है अब रिटायरिंग डायरेक्टर रिटायर हो गए जो भी है तो ये वैकेंसी हो गई तो वैकेंसी क्या हुई तो वैकेंसी हुई तो अब इसके इसमें क्या होता है कि री अपॉइंटमेंट कर लो बाय ऑर्डनरी रिजोल्यूशन अब रिटायर हो गए तो री अपॉइंट कर लो ऑर्डनरी रिजोल्यूशन से ठीक है अब पर अगर रिजोल्यूशन लॉस्ट हो गया है ठीक है तो रिजोल्यूशन लॉस्ट हो गया है तो ऑर्डनरी रिजोल्यूशन पास नहीं हो पाएगा ठीक है पर्सन सीज टू बी डायरेक्टर तो अपॉइंट ठीक है तो री अपॉइंटमेंट कर लो बाय ऑर्डनरी रिजोल्यूशन या ऑर्डनरी रिजोल्यूशन नहीं पास हुआ है या रिजोल्यूशन लॉस्ट हो गया है

तो अब ये बोल के रखा है कि अपॉइंट जब करते हैं किसी दूसरे को तो सेक्शन 160 लग जाता है ठीक अब ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट अपॉइंटमेंट इफ द वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर इज नॉट क्या बोल के रखा है कि इफ़ द वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर इज नॉट सो फिल्ड एंड द मीटिंग हैज नॉट एक्सप्रेसली रिजोल्ड तो अब जो है रिटायरिंग ऑडिटर रिटायरिंग डायरेक्टर की वैकेंसी नॉट फिल्ड अप द मीटिंग हैज नॉट एक्सप्रेसली रिजोल्व कोई एक्सप्रेसली ऐसा रिजोल्व नहीं हुआ कि नॉट टू फिल केस में मीटिंग एट जैन हो जाती है टिल द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक तो वैकेंसी रिटायरिंग डायरेक्टर में है इफ़ द वैकेंसी इन द रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट इज नॉट सो फिल्ड अपनी तो क्या बोल कर रखा है कि इफ़ द वैकेंसी रिटर्निंग ऑर्डर अगर वो फिल नहीं हुई वैकेंसी है वो फिल नहीं हुई तो मीटिंग और मीटिंग में कोई एक्सप्रेसली ऐसा भी नहीं बोला कि हम वैकेंसी फिल नहीं करेंगे क्योंकि अगर मीटिंग में ऐसा एक्सप्रेसली बोल दिया तो कोई बात ही नहीं है ना फिर तो पर मीटिंग में ऐसा नहीं बोला तो ऐसे केस में एडजेंट हो जाएगी इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड प्लेस और इफ़ दैट डे अगर वो नेशनल हॉलीडे है तो फिर टिल द नेक्स्ट एक्सीडिंग डे ठीक है विच इज़ नॉट अ हॉलीडे और इफ़ द अगर अर्जेंट मीटिंग ऑल्सो इफ़ द दर्जेंट मीटिंग ऑल्सो वैकेंसी ऑफ द रिटायरिंग ऑडिटर इज नॉट फिल्ड अप अगर वो अप ही नहीं हुई एंड दैट मीटिंग में भी ऐसा ऐसा नहीं बोला एक्सप्रेसली नॉट टू द वैकेंसी तो रिटायरिंग ऑडिटर शेल बी डीम्ड टू हैव बी जैसे कि इसमें जो रिटायरिंग ऑडिटर है वो ही डीम टू बी री अपॉइंटेंड हो जाएगा ठीक है जैसे कि इसमें रिटायरिंग ऑडिटर ही डीम टू बी भीड़ हो जाएगा अनलेस अनलेस एट एट दैट मीटिंग और प्रीवियस मीटिंग

मीटिंग एडिजन हो जाएगी सेम डे नेक्स्ट वीक सेम टाइम एंड प्लेस अगर वो नेशनल हॉलीडे निकला तो नेक्स्ट एक्सीडिंग डे और इफ़ एड एडजन मीटिंग ऑल्सो वैकेंसी ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट फिल्ड अप अगर वो अगर रिटायरिंग डायरेक्टर की वैकेंसी नॉट सो फिल्ड अप द मीटिंग ऑल्सो हैज़ नॉट एक्सप्रेसली रिजोल्व नॉट टू फाइल द वैकेंसी नॉट टू फिल द वैकेंसी अगर मीटिंग में भी एक्सप्रेसली ऐसा बोला नहीं गया है तो फिर रिटायरिंग डायरेक्टर जो है वो डीम्ड टू बी डी अपॉइंटेड

एक्सप्रेस इज अनविलिंगनेस अगर अपनी अनविलिंगनेस बता के रखिए तो री अपॉइंटमेंट नहीं होगा तो पुट एंड लॉस्ट अनविलिंगनेस बता के रखिए डिसक्वालिफाइड है ठीक है थीके? और रिजोल्यूशन वेदर स्पेशल और ऑर्डनरी इज रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एंड अपॉइंटमेंट बाई वर्च्यू ऑफ एफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट स्पेश कोई कुछ रिजॉल्यूशन पास होना चाहिए रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ और सेक्शन वन सिक्सटी टू इज एप्लीकेबल टू द केस अगर सेक्शन टू इज एप्लीकेबल टू द केस एंड कॉन्ट्रामेंशन हुआ है सेक्शन 162 का ठीक है तो ठीक है तो इस तरीके से हमने क्या समझा कि पोजिशन ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर ठीक है तो पोजिशन ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर मैं वापस ऑडिटर बोल रहा हूँ वो नहीं है रिटायरिंग डायरेक्टर है तो पहला तरीका है कि भैया रिटायरिंग डायरेक्टर है तो एजीएम कभी नहीं हुई अगर ए जी एम नहीं होती है ठीक है अगर ए जी एम नहीं होती है दो सीज टू होल्ड ऑफिस ऑन द लास्ट डे ऑन विच ए जी एम हॉट टू हैव इन हेल्ड ठीक है लास्ट डे ऑन विच ए जी एम हॉट टू हैव हेल्ड और कभी ए जी एम होती है तो री अपॉइंटमेंट होगा या री अपॉइंटमेंट नहीं होगा ठीक है और कभी री अपॉइंटमेंट हुआ तो अच्छी बात है पर री अपॉइंटमेंट नहीं हुआ और मैंबर ने रिजोल्व करा नॉट टू और मैंबर ने भी ऐसा रिजॉल्व नहीं करा कि नॉट टू री अपॉइंट क्योंकि ए जी एम हेल्ड हुई और री अपॉइंटमेंट नहीं हुआ पर री नहीं हुआ तो मेंबर ने आगे होकर ऐसा नहीं बोला एक्सप्रेसली नॉट टू री जैसे कि इसमें एडजन हो जाता है और एडजटमेंट के टाइम में हो जाएगा नेक्स्ट वीक में वहाँ पर री कर लो पर अगर वहाँ पर भी री नहीं हुआ और मीटिंग नॉट रिजॉल्व नॉट टू री तो ऐसे केस में फिर डीम्ड री अपॉइंटमेंट हो जाता है रिटायरिंग डायरेक्टर का ठीक है पर एक्सेप्शन ये है वही कि अगर रिजोल्यूशन पुट एंड लॉ से रिटायरिंग डायरेक्टर ने अगर एक्सप्रेस करे अपनी अनविलिंगनेस अगर वो डिसक्वालीफाइड है अगर रिजोल्यूशन पास नहीं है या कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन टू का ठीक है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन टू अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ है सेक्शन वन सिक्सटी टू का देन अब एम सी ए क्लैरफिकेशन द प्रोविजन ऑफ वन फिफ्टी टू सिक्स एंड वन फिफ्टी टू सेवन शेल नॉट अप्लाई टू अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी एंड इट सब्सिडियरी तो शैल नॉट अप्लाई तो किस पे अप्लाई नहीं होता वन फिफ्टी टू सिक्स एंड सेवन वन फिफ्टी टू सिक्स किस पे अप्लाई नहीं होता है 152, 6 है है रिटायरिंग रिटायरमेंट पे शायद तक रोटेशन हाँ तो और रोटेशन और नॉन रोटेशनल जो है वो अपलिकेबल नहीं होता टू अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी ठीक है तो अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी एंड सब्सिडरी हावअ एग्जे इज नॉट अवेलेबल इफ द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन फाइलिंग द एनुअल रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता इज नॉट अप्लाई टू अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी मतलब लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी पे लगता है मतलब कि लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी पे लगता है ये हमको ध्यान देना पड़ेगा कुछ छोटी छोटे 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 नो है वो जो हमको ध्यान देने पड़ेंगे कि ये लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी को लगता है ठीक जिससे मैं स्टार मार्क भी कर देता हूँ कि लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी को लगता है ओके अब बात आती है सेक्शन वन सेक्शन वन क्या होता है सेक्शन वन सिक्सटी टू ओके तो इधर हम पढ़ रहे हैं सेक्शन वन सिक्सटी टू तो सेपरेट रिजोल्यूशन सेक्शन टू क्या बोलता है अपॉइंटेड टू टू बी बी अपॉइंटमेंट वोटेड ऑन इंडिविजुअली तो क्या है सेक्शन टू बी वोटेड ऑन इंडिविजुअली तो सेपरेट ठीक है तो अपॉइंटमेंट टू बी वोटेड ऑन इंडिविजुअली तो सेपरेट रिजोल्यूशन पास फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल डायरेक्टर इज वैलिड तो जो सेपरेट रिजोल्यूशन है पास फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल डायरेक्टर वैलिड है ट रिजोल्यूशन पास होता है इफ मोर देन वन डायरेक्टर अगर बाय सिंगल रिजोल्यूशनिवर्सोल इन जनरल तो इफ मोर देन डायरेक्टर इज टू अपॉइंटेड बाय सिंगलोल्यूशन सिंगल रिजोल्यूशन से एक से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं तो सबसे पहले यूनानीस रिजोल्यूशन पास होता है इन जनरल मीटिंग ओनली देन सच रिजोल्यूशन पास इन जनरल मीटिंग इज वैलिड ठीक है तो क्या बोला है कि अपॉइंटमेंट टू बी वोटेड ऑन इंडिविजुअली मेंबर अपॉइंट डायरेक्टर करते तो एक एक रिजोल्यूशन में एक डायरेक्टर होता है बोर्ड जब करते हैं डायरेक्टर अपॉइंट तो एक रिजोल्यूशन में एक से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं अब बोर्ड कौन कौन अपॉइंट करता है बोर्ड में एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल सब आते हैं एक्सेप्शन क्या है कि टू और मोर डायरेक्टर कैन अपॉइंट तो मेंबर जो है एक ही रिजोल्यूशन में दो से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है दो या उससे ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है फर्स्ट पास रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन पास करना पड़ता है रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन फॉर फॉर ऑथराइजेशन ऑथराइजेशन पास करना पड़ता है इसमें सब इतना कोई डिटेल में नहीं देख रखा है तो हमें सबसे पहले पास करना पड़ता है रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन जिसमें नो वोट अगेंस्ट द रिजोल्यूशन कोई भी वोट रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में नहीं आना चाहिए एब्सटेंट चलेगा एब्सटेंट चलेगा पर नो वोट अगेंस्ट कोई भी अगेंस्ट नहीं होना चाहिए तो पहले रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन पास करो जहाँ पे वो ऑथोराइज कर सके कि हाँ भाई एक रिजोल्यूशन में दो डायरेक्टर अपॉइंट कर ले ठीक है तो ठीक है एक रिजोल्यूशन में दो डायरेक्टर आप अपॉइंट कर सकते हो फिर पास करो ओ आर फॉर अपॉइंटमेंट ठीक है तो फर्स्ट पास यूनानिमस रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग ठीक है देन सच रिजोल्यूशन पास इन जनरल मीटिंग इज वैलिड तो यूनानिमस रिजोल्यूशन की जगह इसको ऐसा बोलना चाहिए कि नो वोट पास नो वोट नो वोट अगेंस्ट द रिजोल्यूशन ठीक है फिर वैन री अपॉइंटमेंट बिकम्स वॉइड, जब री अपॉइंटमेंट बिकमर वन सिक्सटी टू द प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑटोमेटिक री अपॉइंटमेंट इज इज नॉट अपलीकेबल ठीक है तो ये टाइप ऑफ री अपॉइंटमेंट का हो गया सॉरी वन सिक्स टू बी इंडिविजुअली का हो गया नो अपॉइंटमेंट बिकम वॉइड अगर अपॉइंटमेंट वॉइड हो जाता है तो प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑटोमेटिक री अपॉइंटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल इंपॉर्टेंट नोट एमसीए ने क्लैरिफाई किया है द प्रोविजन ऑफ सेक्शन टू शेल नॉट बी एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी वो प्राइवेट कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होता है तो जो वन सिक्सटी टू है वो शेल नॉट बी एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी फिर आती बात

ठीक निधि कंपनी वाला केस हज़ार तो दस हज़ार अब रिजोल्यूशन ओ है रिफंड ऑफ डिपॉजिट इफ़ ही गेट ट्वेंटी फाइव ऑफ वोट अगर उसे ट्वेंटी फाइव ऑफ वोट भी मिलते हैं या उसको जब इलेक्टेड हो जाता है तो उस केस में रिफंड ऑफ डिपॉजिट है एग्जेम्पन टू तो द फॉलोइंग डायरेक्टर फ्रॉम गिविंग डिपॉजिट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डायरेक्टर दिरे हुज नेम इज रिकमेंडेड बाय द एनआरसी Okay, तो ठीक है तो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या डायरेक्टर जिसका नाम एनआरसी द्वारा रिकमेंडेड है तो वो नहीं आएगा निधि कंपनी में दस हज़ार तक का डिपॉजिट है एम नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी हंड्रेड परसेंट गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन एट कंपनी तो प्राइवेट कंपनी हंड्रेड परसेंट गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन एट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता ठीक है तो प्राइवेट कंपनी सेक्शन एट कंपनी और हंड्रेड परसेंट गवर्नमेंट कंपनी पे सेक्शन वन सिक्सटी एप्लीकेबल नहीं होता

तो उसका कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट एजीएम द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर तो अप टू कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट एम अपू कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट एजी ठीक है इवन इफ सच ए जी एम अगर ए हेल्ड नहीं होती है टाइम डायरेक्टर शेयर बी रिटायर ऑन द लास्ट डे ऑन विच ए जी एम ऑट टू है ऑट टू है मेटर ऑफ अपॉइंटमेंट बोर्ड मीटिंग या रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन तो बोर्ड मीटिंग या रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से इसको अपॉइंट किया जा सकता है पर एजीएम में यह अपॉइंट नहीं होता है एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं पर पावर आर्टिकल से लेनी पड़ेगी ठीक है तो रेगुलेशन 72 या ऑफ टेबल है और पावर तो उसको रेगुलेशन 72 टेबल टेबल आती है बट जब आर्टिकल साइलेंट होता है तो ऐसा तो बोला जाता है कि एडिशनल डायरेक्टर को आप अपॉइंट कर सकते हैं आर्टिकल से पावर को ड्रा करके तभी आप एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो और पावर आर्टिकल से मिलनी चाहिए बोर्ड अपॉइंट करता है वो भी मे बोर्ड में अपॉइंट ठीक है और एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा ठीक है तो पर्सन हु ठीक है पर्सन हु डायरेक्टर तो फिर वो एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकते ठीक है मीन्स जो पर्सन जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुए हैं वो एडिशनल डायरेक्टर बन सकते हैं ठीक है तो पावर जब आर्टिकल से मिलती है ठीक है ये हो गया हमारा खत्म नेक्स्ट ए तक उसका टेनियर रहता है और ए जी एम नॉट हेल्ड और लास्ट डेट ऑन विच ए जी एम ऑट टू और एडजन ए जी तक नहीं जाती बात और लास्ट डेट ऑन विच ए जी एम ऑट टू दैट इज तीस सेप्टेम्बर वो सब्जेक्ट टू एक्सटेंशन की एक्सटेंशन जो है वो एक्सटेंशन कर सकता रजिस्ट्रार ठीक है ठीक ये चीज थी

हव वर अ पर्सन हु फेल टू गेट अपॉइंटमेंट एज एन एडिशनल डायरेक्टर कैन भी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग पर हर अ पर्सन हु फेल टू अपॉइंट एज एडिशनल डायरेक्टर वो अपॉइंट हो सकते जनरल मीटिंग में मतलब उसका उल्टा चलेगा बट जो जनरल मीटिंग में फेल हो गया वो एडिशनल डायरेक्टर नहीं बनते बट बट जो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट होने में फेल हो गया वो जनरल मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं लिमिट एक्जिस्टिंग डायरेक्टर प्लस एडिशनल डायरेक्टर मैगजिम नंबर ऑफ डायरेक्टर ठीक है परमिशेबल इन ए ओ ए ठीक oh, okay, है अब अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर द टाइम बिंग डूरिंग एब्सेंस ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर एक मिनट ये एडिशन सॉरी ओके अल्टरनेट डायरेक्टर की बात आई एडिशनल डायरेक्टर में कुछ और भी बोलने का है कि एडिशनल डायरेक्टर होल्ड करेगा ऑफिस टिल द नेक्स्ट एक्ज उसके बाद वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी तो ये रिटायरिंग ऑडिटर रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं है ठीक है और टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर रेगुलर डायरेक्टर ठीक तो है टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर एज रेगुलर डायरेक्टर कंप्लाई वन सिक्सटी सेक्शन क्योंकि एडिशनल डायरेक्टर है ना तो एडिशनल डायरेक्टर को रेगुलर डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है तो टू तो अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर एज रेगुलर डायरेक्टर तो कंप्लाई करना पड़ता है सेक्शन वन ठीक है तो एडिशनल डायरेक्टर को ठीक है तो अभी अपन ने क्या पढ़ा कि additional director appointment दे दे तो तो एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है ट्रेडर नेक्स्ट एजियम उसके बाद वैकेंसी क्रिएट हो गई तो टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर एज रेगुलर डायरेक्टर उसको 160 सिक्सटी कंप्लाई करना पड़ता है अपॉइंट करना है एडिशनल डायरेक्टर को एज रेगुलर डायरेक्टर ठीक है अपॉइंटमेंट करना है एडिशनल डायरेक्टर को एज रेगुलर डायरेक्टर तो कंप्लाई करना है सेक्शन 160 ठीक है तो अपॉइंट करना है एडिशनल डायरेक्टर को एज रेगुलर डायरेक्टर कंप्लाई करना पड़ता है सेक्शन 160 ठीक है एडिशनल डायरेक्टर को एमडी अपॉइंट करा है फॉर फाइव ईयर्स पर एडिशनल डायरेक्टर तो होल्ड ऑफिस कर सकता है अप टू द नेक्स्ट एजी तो उसको कैसे एम अपॉइंट कर दिया देन यही सॉल्यूशन है कि उसको डी अपॉइंटमेंट करो एज अ रेगुलर डायरेक्टर बाय कंप्लाइंग द 160 प्रोविजन 160 सिक्सटी वही है कि एडिशनल डायरेक्टर को 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा या अदर मेंबर जो है 14 डेज का नोटिस देते हैं कंपनी को कंपनी रिफंड कर देगी वो पैसा क्योंकि फीस एक लाख के साथ आप डिपॉजिट करते हो नीधि कंपनी का केस तो दस है कंपनी रिफंड कर देगी अगर सामने वाला इलेक्ट होता है या उसको पच्चीस से ज़्यादा टोटल वोट मिलता है ठीक है और कंपनी बकायदा कैंडिडेचर जो है ऑल डायरेक्टर को भेजती है अब पॉइंट ये है कि और चेक लिस्ट फॉर सेक्रेटरी सेक्रेटरी को ये चेक लिस्ट करना है देखना है कि कोई डिस्कवालिफ़िकेशन नहीं होना चाहिए वैलिड डील होना चाहिए कंसेंट कंपनी को डी आई टू में दिया जाएगा फिर डी आई ट्वेल्व में कंपनी रजिस्ट्रार को देगी पर्टिकुलर एंटर्ड इन टू रजिस्टर विद शेयर होल्डर डिटेल पर्टिकुलर बकायदा पर्टिकुलर भी एंटर होंगे रजिस्टर में विध शेयर होल्डिंग डिटेल्स ठीक है अब पॉइंट ये है कि एक और क्वेश्चन था कि प्रेजेंट में दस डायरेक्टर है ए में बारह डायरेक्टर है और अपॉइंटमेंट हुए है छः एडिशनल डायरेक्टर का तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा इधर कि एक बोर्ड रिजोल्यूशन अपॉइंट होगा ठीक है प्रेजेंट में दस डायरेक्टर है ए में बारह डायरेक्टर है और अपॉइंटमेंट में छः एडिशनल डायरेक्टर है तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में इंक्लूड होता है तो सोलह डायरेक्टर हो गए एक रिजोल्यूशन को तो, तो आर्टिकल अल्टर करने में क्योंकि आर्टिकल में बारह डायरेक्टर थे और एक रिजोल्यूशन ये है क्योंकि बोर्ड क्योंकि 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 की पंद्रह क्यों क्यों से ऊपर हो गया है और एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया तो एक बोर्ड रिजोल्यूशन तो पास हो गई होगा तो ये सब चीज़ें हैं समझने की अल्टरनेट डायरेक्टर एडिशनल के बाद आती बात अल्टरनेट डायरेक्टर अब अल्टरनेट डायरेक्टर में क्या है पावर ऑथोराइज एओए और रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग तो अल्टरनेट डायरेक्टर में क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मे अपॉइंट तो डायरेक्टर खुद से अपॉइंट नहीं करता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मे अपॉइंट बाय बोर्ड मीटिंग और बाय रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन ठीक है तो इसके बेस में अगर जो हम एडिशनल डायरेक्टर देखें तो बोर्ड मीटिंग और रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया ठीक है अब टेन अपॉइंटेड बाय अपॉइंटेड बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर द टाइम बिंग ड्यूरिंग द एबसेंस ऑफ ऑरिजिनल डायरेक्टर तो क्या बोला गया है कि डायरेक्टर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट बाई बोर्ड मीटिंग और आर बी सी अल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंट करता है तो अपॉइंट कई के लिए करते हैं फॉर स्मूथ फंक्शनिंग में अपॉइंट क्यों कर रहा हूँ फॉर स्मूथ फंक्शनिंग एंड टू रिजो द कोर ऑफ प्रॉब्लम में एडिशनल अल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंट कर रहा हूँ तो अब क्या बोल के रखा है कि क्योंकि अल्टरनेट डायरेक्टर तब अपॉइंट होता है जब पर्सन इंडिया के बाहर चला गया है ठीक है तो अपॉइंट कब किया जाता है जब पर्सन जो है एबसेंस फ्रॉम इंडिया फॉर मोर देन इक्वल टू थ्री मंथ और गो आउटसाइड इंडिया फॉर मोर देन इक्वल टू थ्री मंथ एंड ठीक है अब स्मूथ फंक्शनिंग के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा कोरम की प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करना है ठीक तो उसका जो ऑफिस है वो उसका जो टैनर है वो तब तक होगा जब तक वो ओरिजिनल डायरेक्टर कैम बैक टू इंडिया टैनर एंड वैन ओरिजिनल डायरेक्टर कैम बैक टू इंडिया और ठीक है तो मीटिंग जो है भले इंडिया के बाहर हो मीटिंग एट द रेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो आ सकता है वैकेंसी नहीं मानी जाएगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो आता है तो वैकेंसी नहीं मानी जाएगी ठीक है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ सकता है पर फिर भी याद रखना कि आपको फिजिकल मीटिंग तो करनी ही पड़ेगी जो मीटिंग प्रिस्क्राइब्ड है एटलीस्ट फोर मीटिंग इन अ ईयर अब डायरेक्टर सीज टू डिस्कलोज ओरिजिनल डायरेक्टर तो ऑटोमेटिक रीअपॉइंट तो ये बोला गया है कि जो डायरेक्टर है उस डायरेक्टर की जगह पे या डायरेक्टर बाहर गया है उसकी जगह पे अल्टरनेट डायरेक्टर आता है अब कल को जो मेन डायरेक्टर है वो सीज टू सीज टू बी डायरेक्टर तो सीज टू बी ओरिजिनल डायरेक्टर तो तो उसको तो ओरिजिनल वापस रीअपॉइंट कर लेंगे पर जो अल्टरनेट डायरेक्टर है वो ऐसे वापस रीअपॉइंट नहीं होगा उसको तो छोड़ना पड़ेगा उसका तो टेन्यूर खत्म हो जाएगा ठीक है तो अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर द टाइमिंग ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर इन इंडिया फॉर द कंटिन्यूस पीरियड ऑफ थ्री ईयर ठीक है फॉर द कंटिन्यूस पीरियड ऑफ थ्री ईयर सच डायरेक्टर शेल्ड होल्ड ऑफिस सच डायरेक्टर शेल होल्ड ऑफिस अंटिल द रिटर ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर तो सच डायरेक्टर शेल्ड होल्ड ऑफिस जो डायरेक्टर है वो करेगा होल्ड ठीक है तो सच डायरेक्टर शेल्ड होल्ड ऑफिस अनटिल द रिटर्न ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर ठीक है तो अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ थ्री मंथ ठीक है फॉर द दी फिनेट ऑफ सीमेंट सच डायरेक्टर शेड होल्ड ऑफिस अनटिल द रिटर्न तो वो डायरेक्टर जो है हो, करेगा होल्ड ऑफिस अनटिल द रिटर्न ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर इन इंडिया ठीक है और एंड ऑफ ऑफिस ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर विच एवर इज अलियर क्योंकि हो सकता है कि तीन महीने नहीं हुए हैं पर उसका ऑफिस ही एंड हो गया है तो विच एवर इज अलियर ठीक है मैथड ऑफ अपॉइंटमेंट तो बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से हो जाएगा डिस्ट्रिक्शन है एंड इंडिविजुअल कैन एक्ट एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर तो एन इंडिविजुअल कैन एक्ट एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर वन इंडिविजुअल ओनली तो इंडिविजुअल जो है वो कैन एक्ट एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर वन इंडिविजुअल ओनली तो दो डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में एक अल्टरनेट डायरेक्टर सिर्फ एक ही डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में बन सकता है दो डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में नहीं बन सकता कंसेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक री अपॉइंटमेंट शेड अपलाई टू औरल पर वो अल्टरनेट डायरेक्टर में नहीं होगा ठीक है अब पर्सन कैन भी अपॉइंइटेड एज अट्टरनेट डायरेक्टर टू एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑनली इफ इज़ क्वालिफाइड टू भी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पर्सन किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो उस कंपनी में वो अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता नोट ओरिजिनल डायरेक्टर इंटरेस्टेड इन कॉन्ट्रैक्ट डजेंट मीन अल्टरनेट डायरेक्टर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन कॉन्ट्रैक्ट तो अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं तो डायरेक्टर डी आई ट्वेल्व में रजिस्ट्रार को भी बताता है अब अमेंडमेंट क्या है कि पर्सन हु इज हु इज ऑलरेडी अ डायरेक्टर इन अ कंपनी कैन नॉट बिकम अल्टरनेट डायरेक्टर तो वही है कि पर्सन जो खुद से ही डायरेक्टर है कंपनी में ही कैन नॉट बिकम अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर एनी अदर डायरेक्टर किसी दूसरे डायरेक्टर की जगह अल्टरनेट डायरेक्टर होना बन सकता है क्योंकि वो वो उस कंपनी में डायरेक्टर है अल्टरनेट डायरेक्टर टू अ वुमेन डायरेक्टर शुड बी वूमेन वुमेन डायरेक्टर का अल्टरनेट डायरेक्टर तो वुमेन ही होना चाहिए अब डायरेक्टर एडिशनल अल्टरनेट ठीक है एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी और पर सिंस इधर कैजुअल की बात पहले करी गई है तो क्यों ना हम कैजुअल की बात इसके पहले ही हम समझ लें ओके अब आती बात डायरेक्ट इन कैजुअल वैकेंसी तो पावर क्या है नो ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड इन एओए उसको एओए में कोई ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है ठीक है देट इज़ नो प्रोविजन ऑफ टेबल है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ कैजुअल डायरेक्टर टेन यर कैजुअल वैकेंसी मीन्स वैकेंसी ड्यू मीन्स एनी वैकेंसी ड्यू टू डेथ और एनी अदर रीजन अदरवाइज देन इन नॉर्मल कोर्स तो एनी वैकेंसी ड्यू टू डेथ और एनी अदर रीजन कैजुअल वैकेंसी डेथ के कारण भी हो सकती है अदर रीजन के कारण भी हो सकती है अदरवाइज देन इन नॉर्मल कोर्स डेथ स अराइजिंग इन द ऑफिस ठीक है तो कैजुअल वेकेंसी ऑफिस में अराइज हुई डायरेक्टर वो ओरिजिनली अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग तो अब क्या है कैजुअल वेकेंसी मीन्स वेकेंसी ड्यू टू डेथ और एनी अदर रीजन अदरवाइज इनल अराइज इन दफिस इन दफिस डायरेक्टर उसके ऑफिस में अराइज हुई वो ओरिजिनली अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग ठीक है एग्जाम्पल डेथ ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर इज नॉट कैजुअल वेकेंसी तो जो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है ओरिजिनली अपॉइंट हुआ है जनरल मीटिंग में ठीक है जो ओरिजिनली अपॉइंट हुआ है जनरल मीटिंग में उसकी वैकेंसी को कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं तो जनरल वैकेंसी जनरल मीटिंग में कोई अपॉइंट होता है वैकेंसी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको फिल करता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करता है कैजुअल वैकेंसी बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जिसको फिल करा उसकी भी वैकेंसी क्रिएट हुई तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल नहीं करेगा ना फिर बोर्ड क्योंकि वो तो कैजुअल वैकेंसी ही नहीं है जैसे कैसा सोलूशन है एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करना क्योंकि कोरम को फुल करना है जो भी है तरीका वही है एडिशनल डायरेक्टर को आप अपॉइंट करो मैथड ऑफ मैथड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है बोर्ड मीटिंग भी है कोई रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन भी नहीं है ठीक है तो बोर्ड मीटिंग से अपॉइंट होता है कोई रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन इसमें नहीं है और ये अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट कैन बी डन ओनली बाय वे ऑफ डिस्ट्रिक्शन अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी डन बाय वे ऑफ आर बी सी आर बी सी के जैसे तो अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकता इसका तो इस तरीके से हमने जो है कैजुअल वैकेंसी के बारे में पढ़ा सो so, तो कैजुअल वैकेंसी में हमने देखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से तो नहीं अपॉइंट कर सकते पर हाँ बोर्ड मीटिंग से डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं इन कैजुअल वैकेंसी और कैजुअल वैकेंसी का जो टेनियर होता है वो अनएक्सपायर टर्म ऑफ़ डायरेक्टर जो अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ डायरेक्टर है तो अनएक्सपायर टर्म ऑफ डायरेक्टर रहता है कैजुअल वैकेंसी का टेनियर ठीक है तो कैजुअल वैकेंसी का जो टेनियर होता है वो अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ डायरेक्टर रहता है फिर बार किस को री अपॉइंटमेंट कर सकते तो री अपॉइंटमेंट करने के लिए वही वन सिक्सटी लग जाएगा रिटायर एच जी एम में नहीं हो सकता क्योंकि जनरल मीटिंग में अपॉइंट ही नहीं होता हुआ ये कैजुअल वैकेंसी तो बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट करते तो वो तो उधर वैसे भी नहीं आते तो रिटायरिंग डायरेक्टर तो नहीं है और कैजुअल वैकेंसी अराइज तभी होती है जब वैलिड अपॉइंटमेंट होता है तो अदरवाइज फिर वैलिड अपॉइंटमेंट नहीं है तो कैजुअल वैकेंसी तो होने से रहा और आर्टिकल में मैनर दे के रखते हैं आप अपॉइंटमेंट और अगर मैंने नहीं देख रखे तो बोर्ड रिजोल्यूशन है और फिर सब्सिक्वेंट टू बोर्ड रिजोल्यूशन जनरल रिजोल्यूशन होता है जनरल मीटिंग में ओ मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो अपॉइंट करता है सब्सिक्वेंटली जनरल मीटिंग में इसको अप्रूव किया जाता है तो इस तरीके से जो है कैजुअल वैकेंसी के अपॉइंटमेंट के बारे में बातचीत है आती है बात फिर ये प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है तो ठीक है प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है वैकेंसी अराइज इन द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर शेल भी फुलफिल बाई द बोर्ड मीटिंग शेल बी सब्सिक्वेंटली अप्रूव्ड तो वही बात है सब्सिक्वेंटली बी अप्रूव बाई मेंबर इन द नेक्स्ट जनरल मीटिंग आती बात नॉमिनी डायरेक्टर एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी और कैजुअल वैकेंसी तो नॉमिनी डायरेक्टर की बात करते हैं तो क्या कर रखा है ही इज अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा नॉमिनेटेड इन परसेंस ऑफिजन ऑफ एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स और ऑफ एनी एग्रीमेंट और बायट्रल स्टेंट स्टेट गवर्नमेंट

डायरेक्टर नॉमिनेटेड है डायरेक्टर और ऑफ़ एनी एग्रीमेंट और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बाय वर्चू ऑफ शेयर होल्डिंग इन द गवर्नमेंट कंपनी ठीक है तो डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय बैंक ऑफ इंस्टीट्यूशन औरी एग्रीमेंट डायरेक्टर नामिनेटेड है और ऑफ़ एनी एग्रीमेंट और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय वर्चू ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग इन गवर्नमेंट कंपनी ठीक है तो गवर्नमेंट कंपनी तो, में होगी शेयर होल्डिंग जैसा करते कि गवर्नमेंट कंपनी में शेयर होल्डिंग है तो उसमें नॉमिनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया तो ठीक है और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है थर्ड पार्टी को ठीक है थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर सकती है बॉरोर कंपनी में एज अ नॉमिनी डायरेक्टर और अब ये जनरली ऐसा होता है कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बॉर कंपनी को लोन देती है तो भाई बॉर कंपनी को लोन देती है तो नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट करिए अपॉइंटमेंट है जो आर्टिकल तो ओवर करता ही है तो आर्टिकल में जो देख रहेगा ठीक है अदरवाइज सिक्सटी वन है बोर्ड अपॉइंट करता है तो डायरेक्टर नॉमिनेटेड एज पर द लॉ ठीक है तो बोर्ड अपॉइंट करता है तो डायरेक्टर नॉमिनेटेड एज पर द लॉ और जो भी नॉमिनेटेड एज पर द लॉ डायरेक्टर एज पर द एग्रीमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है गवर्नमेंट कंपनी में appoint, director, director, तो अपॉइंट डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा डायरेक्टर ठीक है जैसे केस में फिर अपॉइंट डायरेक्टर इन गवर्नमेंट कंपनी और ऑब्जेक्टिव ये है कि कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फ़ंड कि उसके जो फंड है वो सेफ गार्ड रहे लॉ का कंप्लायंस हो कंप्लाई विद द लोन कंडीशन क्योंकि किसी कंडीशन पर लोन दिया था ठीक है वर्क वर्क ठीक है एज पर हाँ तो क्या लिख के रखा है और कि वर्क एज पर द साउंड पब्लिक इंटरेस्ट पॉलिसी साथ ही साथ विजिलेंट होना चाहिए ठीक तो हो है तो एक्टिविटी जो है इसकी कंप्लायंस एज पर द लोन कंडीशन कंप्लायंस ऑफ लोन कंडीशन नॉमली डायरेक्टर ये दे ये देखेगा कि कंप्लायंस ऑफ लोन कंडीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है और एज पर द साउंड पब्लिक पॉलिसी ये फंड यूटिलाइज़ हो रहे हैं प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है उसको विजिलेंट रहना पड़ेगा इस तरीके से नॉमिनल डायरेक्टर की बात है एंड प्रोविजन रिलेटिंग टू डिन अब डिन के रिस्पेक्ट में प्रोविज़न काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें कुछ छोटे छोटे से अमेंडमेंट भी आए हैं राइट तो डिन के रिस्पेक्ट में जो प्रोविज़न है वो क्वाइट इंटरेस्टिंग हो जाता है मैनर में क्योंकि इसमें छोटे छोटे प्रोविजन आए हैं सबसे पहले एवरी डायरेक्टर हु इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर मेक एन एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली वो फॉर्म डी में सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देता है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फॉर फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिन की कांडली मुझे डीन अलॉट कर दो तो नो पर्सन शेल बी डायरेक्टर अनलेस अलॉटेड और नो 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 एज प्रिस्क्राइब तो पर्सन शेल बी डायरेक्टर अनलेस अलॉटेड जब तक डीन अलॉट नहीं किया जब तक डिन नहीं दिया गया है भाई जब तक मैं उसको डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाऊंगा और सच नंबर एज ए बी प्रिस्क्राइब फिर आती बात डॉक्यूमेंट टू बी फाइल्ड डॉक्यूमेंट टू बी फाइल्ड तो आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से फाइल करने पड़ते हैं क्योंकि सिंपल सी बात है डी आई थ्री में आप डॉक्यूमेंट भी फर्निश करोगे तो आप फ़ोटो दोगे आइडेंटिटी प्रूफ दोगे और प्रूफ ऑफ रेसिडेंस तो आपने अपना फोटोग्राफ दिया आधार कार्ड दिया टेलीफोन बिल दिया जो भी दिया आइडेंटिटी प्रूफ प्रूफ ऑफ रेसिडेंस रेसीडेंस प्रूफ दिया एंड कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन साथ ही साथ बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी ठीक है और डी आई आर थ्री और फॉर्म दिया है शेल बी साइन एंड सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली बाई यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ठीक है एंड शेल बी वेरीफाइड डिजिटली बाई द सी एस और वेरीफाइड डिजिटली बाय सी एस इन फुल टाइम इम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी और एम डी ओ डायरेक्टर और सी ओ तो वेरीफाइड डिजिटली बाय सी एस इन फुल टाइम एम डी डायरेक्टर और सी ई सी एफ ओ ऑफ द कंपनी इन विच इन विच एप्लीकेंट इज इंटेंट टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर तो एम डी डायरेक्टर सी ई ओ सी एफ ओ भी जो है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को वेरीफाई कर सकते हैं डिजिटली तो ये सब बातें हैं अब सेक्शन 154 में क्या बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट एक महीने के अंदर फ्रॉम द ऑफ एप्लीकेशन अलाट करती है डिन ठीक है तो 153 में जो है अप्लाई किया जाता है 154 में इंटीमेट किया जाता है सेक्शन 155 फिफ्टी फाइव नो इंडिविजुअल डायरेक्टर शेल अप्लाई फॉर अनादर डिन तो जब एक एक डिन है आपके पास तो आप दूसरे दिन के लिए अप्लाई थोड़ी ना कर सकते ठीक है तो नो डायरेक्टर शेल है फिर आती बात ऑफ रिसिप्टिन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इंटीमेट करता है टू द कंपनीज और ऑल कंपनीज वेदर ही इज अ डायरेक्टर तो एवरी एग्जिस्टिंग कंपनी विद इन वन मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ठीक है रिसिप्टी डीन एवरी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर विद इन वन मंथ ऑफ द रिसिप्ट ऑफ रिसिप्टिन फ्राम द सेंट्रल गवर्नमेंट इंटीमेट इज डी टू द कंपनी और ऑल द कंपनीज इज अ डायरेक्टर तो बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक महीने में डिन को इंटीमेट करा उसके एक महीने में जो है कंपनी को अपॉइंट बताया जाता है एंड देन फिर कंपनी जो है पंद्रह दिन में विद इन फिफ्टीन डेज फ्राम द रिसप्ट इंटीमेशन ऑफ सच डेन ठीक है फन इज द डिन ऑफ ऑल इज डायरेक्टर टू द रजिस्ट्र द को रजिस्ट्रारे पंद्रह दिन में फर्निश करती है इफ़ द कंपनी फेल्स टू फर्निश फनिश दर ओ सी विद इन द फिफ्टीन डेज अगर फिफ्टीन डेज में फेल हो गए तो आप क्या करेंगे फिर कंपनी को मैगजिमम पच्चीस हज़ार कंटिन्यूंग फेलियर पे हंड्रेड पर डे और मैक्सिमम पाँच लाख तो मिनिमम पच्चीस हजार मिनिमम पच्चीस हजार से मैक्सिमम एक लाख है और बीच में आता है हंड्रेड पर डे सब्जेक्ट टू कंटिन्यूस फेलियर ऑफ हंड्रेड पर डे ठीक है अब पेनल्टी फॉर ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट अब जब ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट उस समय भी यही है मिनिमम पच्चीस हज़ार और जो है मैक्सिमम एक लाख है और जो है हंड्रेड पर दे तो सेक्शन वन फिफ्टी एट एवरी पर्सन और कंपनी वाइल्ड फर्नीशिंग एनी रिटर्न इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर उसको मैंशन करना पड़ता है डेन अब एनी कंपनी एनी इंडिविजुअल और डायरेक्टर ऑफ़ द कंपनी मेक एनी डिफ़ॉल्ट इन्लाइन विद द प्रोविजन तो कोई इंडिविजुअल है या डायरेक्टर है कंपनी का अगर डिफॉल्ट करा है इन कम्प्लाई विद द प्रोविजन ऑफ वन फिफ्टी टू वन फिफ्टी फाइव ठीक है तो वन फिफ्टी टू का कंप्लाइंस डिफॉल्ट इन मेकिंग कम्पलाइंस वन फिफ्टी टू या वन फिफ्टी फाइव मतलब डायरेक्टर ने एक साल दिन ले लिया है और वन फिफ्टी सिक्स की एग्जिस्टिंग एक्जिस्टिंग डायरेटा फेल्स टू इंटीमेट डिन टू कंपनीज इन विच ही द डायरेक्टर विद इन वन मंथ ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिन क्योंकि उसको करना पड़ता है ठीक है इंटीमेट करना पड़ता है वन फिफ्टी सिक्स में है ठीक है तो ऐसे केस में एनी इंडिविजुअल और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मेक एनी डिफॉल्ट ठीक है तो पेनल्टी फॉर सच इंडिविजुअल डायरेक्टर तो क्या लिख के रखा है कि पेनल्टी उस इंडिविजुअल को और डायरेक्टर को पेनल्टी में एक्सटेंड टू पचास हज़ार रुपये मे एक्सटेंड टू पचास हज़ार रुपये एंड वेन दफॉल्ट इज कंटिन्यूंग वन विद अ फर्दर पेनल्टी विच मे एक्सटेंड टू फाइव हंड्रेड रुपीज ऑफ इच दे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यू ठीक है तो अगर डिफॉल्ट करा है ये एक नई चीज़ है ये एक नई चीज़ है समझने की कि कि डिफॉल्ट ठीक है तो डिफॉल्ट करा है 152 में 155 में 156 में 152 में ठीक है 152 में 155 में एंड 156 में ठीक है तो 152 में अगर डिफ़ाल्ट करा है या 155 फिफ्टी फाइव में डिफ़ॉल करा है या 156 में डिफ़ॉल्ट करा है तो ऐसे केस में ठीक है तो 155 में तो मतलब वही है कि मोर देन वन डिन ऑप्टेन करने की बात कर रहा है ठीक है तो वो गया वन एंड ठीक है हाँ और फिर 155 फिफ्टी फाइव है कि वन फिफ्टी हो गया 156 है एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ने इंटीमेट नहीं करा तो ऐसे केस में अगर डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो पेनल्टी जो लगता है वो इंडिविजुअल को और डायरेक्टर को जो पेनल्टी है वो है फिफ्टी थाउजेंड ठीक है फिफ्टी थाउजेंड और डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू बन है तो फाइव हंड्रेड पर डे ठीक है वो कंटिन्यू रहेगा तो पेनल्टी में एक्सटेंड टू फिफ्टी थाउजें फिफ्टी थाउजेंड एंड वेयर डिफॉल्टर जो है वो कंटिन्यू बने तो फर्दर पेनल्टी जो एक्सटेंड होगी वो फाइव हंड्रेड पर डे होगी वन सिक्सटी थ्री अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अब आती बात अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बट इसमें मेरे को कुछ और चीज़ें बोलने की थी कि अगर डायरेक्ट पर्सन इंटेंट टू अपॉइंट एस ए डायरेक्टर है तो वो डी आई आर थ्री में डॉक्यूमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट एक महीने के अंदर उसको इंटीमेट करती है जो ये तीस दिन नहीं है वो एक महीने के अंदर इंटीमेट करती है अगर डिवेक्ट, अगर डिफेक्ट डिफेक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर डिफेक्ट होता है तो बाकायदा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है डिफेक्ट होता है तो बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बताती है जो जो एप्लीकेंट है उसको बताया जाता है और फिफ्टीन डेज में वो रेक्टिफाई करता है ठीक है तो सात दिन नहीं है उसको फिफ्टीन डेज में वो रेक्टिफाई करता है फिर ठीक है डिन अलॉट हो गया तो डीन अलॉट हो गया इंटीमेंट कर दिया इंटीमेंट होने के एक महीने के अंदर कंपनी को बताया जाता है फिर कंपनी डी आई फिर फिफ्टीन डेज में रजिस्ट्रार को बताती है अगर फेलियर हुआ है तो पच्चीस हज़ार से आ, एक लाख तक का फाइन है हंड्रेड पर डे डी आई थ्री के साथ डॉक्यूमेंट्स कुछ अटैच होते हैं फोटो आइडेंटिटी कार्ड रेजिडेंस प्रूफ बर्थ प्रूफ बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी ठीक है तो ये सब चीज़ें भी साथ में जाती है अब पॉइंट ये है कि अगर इफ़ डिफॉल्ट पार्शली रेक्टिफाइड अगर अगर डिफॉल्ट जो है पार्शली रेक्टिफाई किया है कि भैया अगर डिफेक्ट है और डिफॉल्ट है जो भी है उसको रेक्टिफाई किया पार्शली तो ट्रीट एप्लीकेशन एज इनवैलिड तो सबसे पहले डिफॉल्ट था हमने बताया पार्शली उसको रेक्टिफाई किया तो भैया ऐसा है एप्लीकेशन को इन्वैलिड मान लिया अब वापस से तुमको इंटीमेट नहीं करेंगे और तुम्हारी फ़ीस भी हम तुमको रिफंड नहीं करेंगे डिफ़ॉल्ट हुआ है अगर 152, फिफ्टी टू वन फिफ्टी से तो अगर इंडिविजुअल या डायरेक्टर से 152, फिफ्टी टू वन और 156 में डिफॉल्ट हुआ है जैसे कि इसमें इंडिविजुअल डायरेक्टर को पचास हज़ार है और बिच में एक्सटेंड टू 500 पर डे और कंटिन्यूस फेलियर के दौरान ठीक है अब बात आती है कुछ कि जो डायरेक्टर है अगर उसको चेंज करना है डी आई टू में तो ठीक है डी आई टू में तो कम जो है डायरेक्टर वो कंपनी को बताता है अपॉइंटमेंट का और फिर कंपनी जो है रजिस्ट्रार को बताती है डी आई ट्वेल्व में अब पॉइंट ये है इंटीमेज इंटीमेशन ऑफ चेंजेस ठीक है तो अगर चेंज है तो चेंज के तीस दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट उस चेंजेस को इनकॉपरेट करता है ठीक है और सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रार को बता देता है तो ऐसे किसना कंपनी रजिस्ट्रार को नहीं बताता सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ पर्सन को बताता है और पर्सन पंद्रह दिन के अंदर कंपनी को बता देता है ठीक है अब इंडिविजुअल जो होल्ड कर रहा है दिन इकतीस तीन को शेल ऑन ऑ बिफोर तीस सेप्टेम्बर शैल सबमिट डी आई थ्री के वाई सी टू सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा बोला जाता है कि इंडिविजुअल जो होल्ड कर रहा है डिन इकतीस तीन तक का तो उसको तीस सेप्टेम्बर के पहले सबमिट करना है डी आई आर थ्री के वाई सी टू सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसको सबमिट करना है डी आई आर थ्री के वाई सी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अब डी आई थ्री क्या होता है जो अभी अपने बात करी कि एप्लीकेशन टू द डिन डायरेक्ट उसमें अपडेट कर सकता है अपना फ़ोन अपना ई मेल सब डी आई डी आई आर थ्री भी जो होता है वो इंटीमेशन दिया जाता है टू द कंपनी डी आई आर सिक्स होता है कि एप्लीकेशन फॉर इनकॉपरेशन ऑफ चेंजेस डी आई आर फाइव होता है कि मेरे को डिन सरेंडर करना है जब एक से ज़्यादा डिन हो तो ऐसे केस में डिन सरेंडर करना पड़ता है और बी आई आर पुट अंडर रिसबमिशन मतलब कि एप्लीकेशन डिफेक्टिव है और उनको बोला है कि एप्लीकेशन को रेक्टिफाई करो एप्लीकेशन को इनवैलिड करने की बात नहीं करी गई है फिर आती है बात डी आई टू की तो कंसेंट ऑफ रेजिग्नेशन या कंसेंट ऑफ अपॉइंटमेंट जो भी है वो कंपनी को दिया जाता है फिर कंपनी रजिस्टर को डी आई आई के टेल्व के रिस्पेक्ट में बताती है कंपनी रजिस्टर को डी आई ट्वेल्व में बताती है अब पॉइंट यह है कि अबाउट के वाई को समझने का यह है कि इंडिविजुअल होल्ड कर सकता है दिन इकतीस मार्च तक ठीक है तो इंडिविजुअल जो होल्ड करता है दिन इकतीस मार्च तक तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है तो इंडिविजुअल अगर होल्ड करता है डीन इकतीस मार्च तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है डी आई एस के फॉर्म में ठीक है तीस थी सेप्टेम्बर या उसके पहले ठीक है और अगर इकतीस तीन अठारह की बात है तो पाँच अक्टूबर के पहले पहले और इकतीस तीन उन्नीस की बात है तो चौदह अक्टूबर के पहले पहले ई फॉर्म या वेब फॉर्म के थ्रू बताना पड़ेगा अदरवाइज तो डेट है जो वो तीस सेप्टेम्बर ही है पर हाँ अठारह उन्नीस में ऐसी डेट बढ़ गई थी अगर ऑलरेडी सबमिट करके रखा है डी आई एस ई फॉर्म प्रीवियस फिनेंशियल ईयर में तो इफ ऑलरेडी सबमिटेड डी आई थ्री के वाई सी ई फॉर्म प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में सफिशियंट कंप्लाइंस मान लिया जाएगा अगर डी आई आर थ्री के वाई सी का वेब फॉर्म सबमिट करा है तो अब डी आई थ्री का के वाई सी जो ई फॉर्म सबमिट करा है उसमें मोबाइल नंबर मेल आई डी को भी अपडेट कर सकते हैं कंपनी अंडर रूल ट्वेंटी फाइव ए देज टू फाइल ई फॉर्म एक्टिव कंपनी जो रूल ट्वेंटी फाइव ए के अंडर है दे हैज टू फाइल ई फॉर्म एक्टिव पंद्रह जून के पहले पहले अदरवाइज दिन ऑफ ऑल डायरेक्टर मार्क डेज डायरेक्टर ऑफ नॉन कम्प्लैंड कंपनी कंपनी अंडर दिन ट्वेंटी एक्टिव कंपनी को ई फॉर्म एक्टिव फाइल करना है कि शो शो करने के लिए कि एक्टिव कंपनी है ऑन ऑ बिफोर पंद्रह जून और अदरवाइज जो डिन है सारे डायरेक्टर डारे, के वो मार्क करा जाएगा कि डिन है वो नॉन कंप्लाइंट कंपनी वो इसलिए नॉन कंप्लाइंट कंपनी क्योंकि उन्होंने ई फॉर्म एक्टिव को फाइल नहीं करा पंद्रह जून के पहले पहले तक ई फॉर्म एक्टिव जो है उन्होंने फाइल ही नहीं करा कंपनी ने जबकि कंपनी को ई फॉर्म एक्टिव को फाइल करना था तो सारे डायरेक्टर का डिन जो मार्ग हो जाएंगे डिन ऑफ नॉन कम्प्लेंट कंपनी तो इस तरीके से जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो अपन ने पड़ी है ठीक है अब आती बात सेक्शन वन की जो बात करता है प्रपोशनल रिप्रेजेंटेशन प्रपोशनल रिप्रजेंटेशन ऐसा कुछ खास नहीं है पढ़ने में क्योंकि इस पर कुछ ऐसे इतना मैगजिमम ऐसा कुछ क्वेश्चन इसमें आए नहीं है बट फिर भी ठीक है प्रपोशनल रिप्रेजेंटेशन की बात करी है तो शुड वी स्टडी कि सेक्शन वन ये बोलता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अ कंपनी में ऑफ प्रपोशनल रिप्रेजेंटेशन एज ऑनली ऑथोराइज बाय ए अगर ऑथोराइज किया गया है तो प्रपोशनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंटमेंट होगा तो ऐसे केस में एटलीस्ट टू थर्ड ऑफ द डायरेक्टर वो मस्ट अपॉइंटेड बाय द प्रपोशनल रिप्रेजेंटेशन तो एटलीस्ट ऑफ द डायरेक्टर टू थर्ड ठीक है तो क्या बोला एटलीस्ट टू थर्ड ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एटलीस्ट टू थर्ड ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है मस्ट अपॉइंटेड बाय द रिप्रेजेंटेशन वेयर बाय सिंगल वेयर बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और बाय सिस्टम ऑफ वोटिंग और अदरवाइज तो एज एटलीस्ट टू थर्ड ऑफ द डायरेक्टर मस्ट बी अपॉइंटेड बाय बाई रिप्रेजेंटेशन सच अपॉइंटमेंट शैल बी वैलिड वंस इन एवरी थ्री ईयर ठीक है तो ये सब चीजें इधर दे के रखी है अब बात ये आती है कि प्रपोर्शनल डायरेक्टर में प्रपोर्शनल डायरेक्टर में हंड्रेड परसेंट गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी पे नहीं रखता तो गिव वैल्यू टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर वेर मेजोरिटी शेयर होल्डर रिटर्न राइट अब ऐसा बोला गया है कि गिव वैल्यू प्रपोशनल डायरेक्टर क्या करता है गिव वैल्यू टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर वेर मेजोरिटी शेयर होल्डर ने राइट रिटर्न करे है टू अपॉइंट डायरेक्टर इन प्रपोर्शन टू वोटिंग स्ट्रेंथ ठीक है तो वेयर मेजोरिटी डायरेक्टर ने रिटर्न करके कर रखा है राइट तो अगर मेजॉरिटी डायरेक्टर ने रिटर्न करके कर रखा है राइट टू अपॉइंट डायरेक्टर इन प्रपोर्शन टू मेजोरिटी स्ट्रेंथ ये जो सेक्शन है वो वैल्यू प्रोवाइड करता है मेनॉरिटी डायरेक्टर को ठीक है वेयर मेजोरिटी शेयर होल्डर रिटेन राइट टू अपॉइंट डायरेक्टर इन प्रपोर्शन टू वोटिंग स्ट्रेंथ स्पेसिफिक प्रोविजन इज इन इन आर्टिकल रिक्वायर इफ कंपनी अडॉप्ट सच मेथड तो टू थर्ड ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए कैजुअल वैकेंसी ठीक है आर्टिकल में जैसा हुआ बोला है वैसे ट्रीट करेंगे अदरवाइज तो बी में बोर्ड रिजोल्यूशन है सब्सिक्वेंट अप्रूवल होगा जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट होगा वन थ्री ईयर ठीक है तो गिव वैल्यू टू माइनोरिटी शेयर होल्डर वेयर आर मेजोरिटी शेयर होल्डर रिटर्न राइट टू अपॉइंट डायरेक्टर इन प्रपोर्शन टू वोटिंग स्ट्रेंथ जहां पे मेजोरिटी शेयर होल्डर राइट के बाद राइट है अपॉइंट डायरेक्टर वो अपॉइंट करेगा डायरेक्टर को इन प्रपोर्शन टू वोटिंग स्ट्रेंथ अपॉइंट करेगा डायरेक्टर को ठीक है तो अपॉइंट करेगा ठीक है डायरेक्टर को इन प्रपोशन टू वोटिंग स्टेंट तो इस तरीके से सेक्शन वन सिक्सटी थ्री हमने समझाए ठीक है प्रति बात सेक्शन वन सिक्सटी फोर की एंड देन सेक्शन वन सिक्सटी फोर के बाद सेक्शन वन सिक्सटी फाइव वन सिक्सटी सेवन वन सिक्सटी सेवन ओके वन सिक्सटी वन सिक्स सेवनटी मतलब इस तरीके से सेक्शन तो है, है करने के बट ठीक है सेक्शन वन सिक्सटी फोर डिसक्वालीफिकेशन का है एंड डिसक्वालीफिकेशन सम वॉट जो है uh, बहुत रिलेटेबल चीज़ें हैं तो उसको हम क्विकली गो थ्रू कर सकते हैं सो आई थिंक अब जो है सेक्शन 164 सेक्शन 164 हमें जो है नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करना चाहिए नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कवर करेंगे सेक्शन 164 सिक्सटी फोर बचा हुआ पार्ट देन इस तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर ओवर होता है एंड देन सेकेंड थर्ड चैप्टर ऐसे ही कंटीन्यूटी में चलते रहेंगे होप सो so, आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा आपके नोट्स सेंस बने हुए हैं तो आपके नोट्स आप जब रेफर कर रहे होंगे इस लेक्चर के साथ साथ तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो सारा कंटेंट जो कवर होना चाहिए वो कवर्ड है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में है डिस्कशन तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जिस पॉइंट पे फोकस करते हुए प्रोविजन के जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करते हुए क्वेश्चन आए हैं तो वो क्वेश्चन भी कुछ हद तक केटर करे हैं तो पहले एक बार ये रिविजन हो जाए देन उसके बाद हम स्कैनर को टच करेंगे सो so, हम मिलते हैं देन फिर नेक्स्ट वीडियो में गुड बाय ठीक है एंड टेक केयर